सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है और एक न्यू लाइव स्ट्रीम में। भाई लोग कैसे हो भाई लोग, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज आज होने वाला धम्मा के दार फोर वर्सेस फोर के मैचेस। एंड भाई लोग ये मैचेस बहुत लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। आज वैसे टूर्नामेंट तो नहीं है, टूर्नामेंट 2 तारीख से होने वाला है, तो सारे बंदे अपने कान की पेटियाँ को खोल के सुन लीजिए कि टूर्नामेंट होने वाला है 2 तारीख से। सो ऑल गाय विल बी रेडी, ऑल गाय हैव टू बी रेडी। ओके गाइस, सो भाई लोग सबसे पहले बंदे लोग को आ जाने दो लाइव पे। गिल्ड के 10-10 बंदे ऑनलाइन है गाइस। आई एम हियर रेडाई भाई, पहले आ गए हैं। रेडाई भाई कैसे हो? हेलो रेडाई भाई, स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट से। रेडाई ब्रो फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट। ऑलरेडी डन। इस आहरार का टेस्ट ले लो भाई, उसके पास है ही नहीं, उसके पास वो नहीं है भाई, कस्टम नहीं है। अरे डेक्सर भाई कैसे हो? डेक्सर भाई हेलो, हाय डेक्सर भाई कैसे हो, लव यू। स्ट्रीम को लाइक कर लो फटाफट से सारे बंदे। जी वी आहरार भाई, बोलो आहरार भाई क्या हाल चाल। आहरार भाई बताओ। हाँ आहरार भाई, जी वी आहरार है। अरे आहरार भाई कैसे हो? जी वी आहरार है उसके पास। यो रेड डॉग्स बिग फैन, हाँ उसके पास। अच्छा ठीक है, बनाने बोलते हैं भाई इसको एक एक। चलो भाई बना लो फटाफट से। और पहले तो सारे बंदे लाइक कर दो, ये 1, 2, A to Z बंदे पहले लाइक कर दो। पहले इस बंदे का टेस्टिंग लेंगे, उसके बाद जाके अपने मैचेस स्टार्ट करेंगे भाई। ये बंदे लोग का यही समझ नहीं आता कि क्या चलता है भाई। क्या हुआ? क्या? अच्छा तो बनाओ ना रूम, बनाओ ना, बैठे क्यों? अरे तुम बनाओ, मैं करवाता हूँ ना तुमको यार, तुम रेडॉक्स रेडॉक्स नहीं करो। हर्षित ब्रो लव यू भाई, अरे लव यू टू भाई, लव यू लव यू टू बोलो ना। किसके साथ? किसके साथ अभी खेलोगे? क्या वो गोल्डन गोल्डन ही गोल्डन असम? एंडो पोपट बना, पोपट बनाता है आप। अरे अभी तो मैं यार कुछ और करवाऊंगा यार। अच्छा अभी तो नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन रहोगे कि नहीं? जाओ लाइव पे जाओ ना। कस्टम में लेना, मैं ट्यूशन जाऊंगा। ऐड कर हर्षित फ्रेंड में। सातार भाई रिक्वेस्ट डाला, ये रहा भाई हमारे ओडिशा गिल्ड का बंदे ने रिक्वेस्ट डाला। फाइनली फाइनली ओडिशा गिल्ड के बंदे ने मेरे को रिक्वेस्ट डाल दिया फाइनली। भाई लोग ये आहरार भाई को पहले रूम बनाने दो, उसके बाद भाई का पहले टेस्टिंग लेंगे। हेलो ब्रो, हाय ब्रो कैसे हो? सातार भाई आईडी तो मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। सातार भाई आईडी दो अपना, यूआईडी देना ब्रो। अच्छा दे रहा हूँ रुको, ये देखो यूआईडी 124092677। मैं भी तुम्हारे गिल के लिए टेस्ट दे सकता हूँ क्या? अच्छा दे तो सकते हो ब्रो, यू कैन गी बट 513953। 513953 583 583। पठान मेरी जान महफिल ही जाए, झूमे जो पठान अनस्टॉपेबल। चलो भाई लोग ये भाई को रिक्वेस्ट तो डाल दिया। अबे ये भाई बुला ऐड कर मेरे को, नूबड़े क्या कर रहे हैं यार। शुभ कैसे हो भाई? शुभ भाई कैसे हो? अ
मैं भी आया। रुको ब्रो, बंदे हो रहा है गिल्ड में, दो गिल्ड बनानी पड़ेगी क्या? ब्रो बंदे ज़्यादा हो रहे हैं गिल्ड में, दो गिल्ड बनानी पड़ेगी क्या? अरे क्या मालूम। सैनी यूवी एड रेडाई भाई, कम ऑन लाइव। ओ बी ऑब्जर्व पठान। अरे भाई, अरे सातार भाई लाइव पे देखो ना। फोर ई फोर में भाई गेम प्ले दिखाओ, अपना इधर मत दिखाना। टूटा नहीं वो जो आसमां पे जो है असर दिखाते चले। शुभ बॉब आहरार एलिवेटर एंड रेडाई एच जी विलन एंड एवरीडे रेडॉक्स। वाओ लेट वी गो एस टी। चलो एस टी करो फटाफट ST करो भाई लोग, ST करो। फोर वी फोर में गेम प्ले दिखाओ भाई, अगर लीडर बने तो ले लेंगे भाई तुमको गिल्ड में। सो गाइस अभी फोर वी फोर में प्रैक्टिस करना ज़्यादा मेन चीज़ होता है भाई, ये 1v1 इज़ अ बेकार चीज़। ऐड ब्रो मैं ओबी। अरे ब्रो तुम ओबी कैसे भाई, तुम तो प्ले कर। चलो भाई लोग देखते हैं, अब ये एक पहला 4v4 का मैच स्टार्ट हुआ यहाँ पे 6:10 पे, तो आगे देखते हैं। हियर वी गो। सारे बंदे पहले लाइक कर देना जोर से। तो गाइस पहला मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखा जाए तो यहाँ पे 0-0 का स्कोर है। ऑब्जेक्टिव 7 का रहने वाला है। रिडॉक्स एनवीटी एचजी विलन रेडा। अरे बाप रे, मतलब महाभूकंप टीम यहाँ पे आगे की साइड है। देखा जाता है एलिवेटर शुभ बॉब और आहरार भाई। हल्की थोड़ी टीम है गाइस इनकी लग रहा है मेरे को। मैप थोड़ा देखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, तो गाइस मैप देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे जेवी आहरार आगे बढ़ते हुए, आहरार के सामने यहाँ पे बंदे हैं जियागेस, और स्पीकर हाथों में होगा। सामने के साइड बंदा है जियागेस। एजान भाई हेलो, हाय ब्रदर, कैसे हो, लव यू, स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट। शुभ के पीछे बंदे, बट शुभ ने यहाँ पे रेडाई को नॉकआउट किया। सबसे पहले रेडाई का यहाँ पे लाश बिछा दिया गया शुभ ने। शुभ ने यहाँ पे पैकअप किया अंदर में और हेडशॉट के साथ फिनिश अप भी किया। चले हाँ हटा दी ब्रो। चले यहाँ पे एनबीटी आगे बढ़े, पीछे के साइड से शुभ को अटैक किया, बट शुभ ने यहाँ पे काउंटर अटैक, अच्छा ग्लोबल स्टाइल। देखा जाए तो लेफ्ट के साइड से बंदों का हमला, यहाँ पे बंदों का हमला, और एक बार रिडॉक्स होने वाले क्या हो? जी हाँ गए, रिडॉक्स होने वाले। फिर से बॉडी शॉट रिडॉक्स का, लगातार रिडॉक्स बॉडी मारते हुए शुभ के सामने के साइड खड़े होंगे जरूर से जरूर। रेडॉक्स ब्लू जोन के अंदर गए, उससे पहले हेडशॉट मार दिया शुभ को बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो एनबीटी ने भी यहाँ पे एक बंदा को नॉकआउट किया। एंड कौन होने वाले यहाँ पे, वो बदनसीब कौन हुआ, जेवी आहरार को यहाँ पे नॉकआउट मार दिया गया। देखते हैं बॉब भाई यहाँ पे क्या करेगा। यार वी गो फॉर बॉब भाई, बॉब भाई देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा। 2v2, 2v3 सिचुएशन। एलिवेटर क्या यहाँ पे एक बंदे को नॉकआउट मारेगा। सामने के साइड रिडॉक्स आते हुए यहाँ पे, और स्विचिंग काम नहीं की, विलन भाई ने सामने के साइड छोड़ा दिया डेजर्ट ईगल के साथ। देखा जाए तो, और देखा जाए तो बॉब यहाँ पे अकेले बचे। लेफ्ट के साइड से बंदों का हमला, शॉटगन से हमला, पीछे ब्लू जोन आता हुआ यहाँ पे निकलना पड़ जाएगा बॉब भाई को। सामने रिडॉक्स नीचे के साइड घुसे हुए, एलिमिनेशन झेलना पड़ गया है गाइस, बट किल गया है रिडॉक्स को। 2-2 किल से लीड पकड़ ली गई है गाइस। मैं भी आता हूँ नेक्स्ट मैच, अगला मैच में मैं आऊँगा। अच्छा आना, हेलो भाई, हेलो करण भाई, कैसे हो, लव यू, स्ट्रीम को लाइक कर दो भाई लोग। सारे बंदे लाइक करोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा भाई, सारे के सारे बंदे लाइक कर देना। 1-0 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे मेंटेन। गाइज अहरार ने अभी तक 0 किल लगा के रखे है, तो भाई अगर आगे पहुँचता है इसका किल तो शायद इसको गिल्ड में नहीं लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पे 4 बंदे इधर की साइड होने वाले हैं, एंड 4 घंटे 4 बंदे। आहरार को क्या हुआ गाइस, आहरार यहाँ पे ऑफलाइन चले गए, क्या हो गया? एंड देखा जाए तो एलिवेटर भी अभी तक आए नहीं है गाइस, आहरार भी अभी तक आए नहीं है, क्या चल रहा है ये। चलिए यहाँ पे एनवीडी निकल चुके गाइस, अपन ने घर के अंदर से निकले, पीछे के साइड से हमला शुभ के ऊपर, शुभ ने निकला है राइट के साइड, लेफ्ट के साइड में मारा यहाँ पे बॉब ने, आते रेड आई को नॉकआउट किया जी हाँ गाइस, ग्लोबल के अंदर पैकआउट किया एंड यहाँ पे फिनिश अप मार दिया जाएगा। एलिवेटर अभी तक नहीं आए थे बट आ चुके हैं, आहरार भी अभी तक नहीं आए, शुभ को नॉकआउट मार दिया गया जी हाँ गाइस, शुभ को यहाँ पे नॉकआउट मारा है। मे बी यहाँ पे एनवीडी भाई ने यहाँ पे नॉकआउट किया, ग्लोबल के पास में घींच के शॉट मारा एनवीडी भाई ने। चले देखते आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे 3v3 सिचुएशन, नहीं 3v2 सिचुएशन फिर से क्रिएट होता हुआ।
बॉब एंड एलिवेटर बचे, एलिवेटर आया है पीछे के साइड से, बट बॉब को भी कहीं ना कहीं नॉकआउट मार दिया जाएगा। बॉब के राइट साइड में एलिवेटर भाई, बॉब भागते हुए पीछे के साइड से सुख के पास भागते हुए, बॉब भाई यार भी को बॉब भाई क्या पहुंच पाएंगे सुख के पास, और यहाँ पे शुभ के पास बहुत से पहुंचते ही यहाँ पे हेडशॉट खाना पड़ गया एनवीडी भाई का, बहुत ही कमाल का। एनवीडी भाई के सामने और एक बंदा होने वाला और एक चुनौती सामने के साइड, एलिवेटर आते हुए एलिवेटर का शॉटगन, बट उससे पहले एनवीडी भाई का कनेक्शन स्विचिंग, यहाँ गाइस एनवीडी का कमाल का स्विचिंग, यहाँ पे 2-0 का स्कोर हो चुका है मेंटेन। एनवीडी भाई 4 किलो से लीड पकड़ ली है, 2-0 का स्कोर हो चुका है मेंटेन। हरार क्या कर रहा है गाइस, मैं भी आता हूँ नेक्स्ट में। हेलो डेमन भाई, और डेमन भाई कैसा है डेमन भाई? अरे तुमको नेम चेंज करने बोला मैंने इंस्टा पे, तुमको नेम चेंज कैसा स्टाइल में रखोगे वो मैंने दे दिया है, तुम उसको कॉपी करके चिपका लेना अपने नेम में, ठीक है डेमन? अरे डेमन समझे ना, डेमन अपने में चिपका लेना, ठीक है? हाँ देखा, हाँ वही बोल रहा हूँ, तुम अपने में चिपका लेना, मैंने इंस्टा पे दिया है तुमको। सबसे पहले स्ट्रीम को लाइक कर ले, अभी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चले बॉब के सामने बंदा होने वाला है, बॉब के सामने एक बंदा रिडॉक्स, यहाँ पे ऊपर की साइड चले थे बॉक्स के, बट यहाँ रिडॉक्स निकले और एक बार रिडॉक्स सबसे पीछे होने वाले कवर देने वाले, बट रेड आई कास्ट किस्मत डूबा हुआ है। सूप यहाँ पे लगातार हेडशॉट में हेडशॉट लगाए जा रहे हैं, शॉटगन का इस बार हेडशॉट है, नॉकआउट किया पीछे के साइड रिडॉक्स आने वाले, रिडॉक्स पीछे के साइड से एच जी विलन भी पीछे के साइड, सूप को एकदम से हथियाने का जो है यहाँ पे प्लानिंग चलते हुए, एच जी विलन कूदे मुंह पे और हेडशॉट सीधा सूप को ग्लूवल के पूरा कॉर्नर में हेडशॉट लगाया, जो कि एक अनपॉसिबल चीज थी भाई। सूप को मारना ऐसी जगह पे जो भाई एच जी विलन अपने गिल्ड का बंदा है, सो मारना तो बनता है। रिडॉक्स को यहाँ पे नॉकआउट मार दिया गया है गाइस बॉब के द्वारा, बॉब ने यहाँ पे नॉकआउट मारा है बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। आरआर भाई एंड एलिवेटर बचे, एलिवेटर के सामने और एक चुनौती, 2-0 का स्कोर हो चुका है गाइस। कमबैक की एक कमाल की जरूरत पड़ेगी, अगर कमबैक नहीं मारेंगे तो मुश्किल हो सकती है। बॉब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लगातार एनवीडी भाई को देखा जाए तो उड़न है उसके पीछे के साइड, यहाँ पे अटक के रहने वाले जो भी बंदा है हेडशॉट, आरआर गए एक बार में, एक फाइनली एक शॉट में एक बंदा नॉकआउट है। यहाँ पे रिवाइव देते हुए आरआर को, यहाँ पे आरआर को रिवाइव भी दे दिया गया है। यार भी को आरआर भाई क्या कर पाएंगे, मेडिकेट यहाँ पे मालते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी बॉब को देखा जाए तो बॉब उनके सर पे चढ़ गए, निकलने का कोशिश करते हुए पीछे से ब्लू जोन मारने की हालत में आ गया है। बॉब ने यहाँ पे ग्लू को हटाया एंड गाइस आरआर बॉब एक साथ बढ़ने वाले आगे के साइड। एनवीडी को देखा जाए तो एनवीडी बहुत ही कमाल का डेजर्ट गल चलाने वाले, एनवीडी के हाथ में शॉटगन पीछे के साइड ग्लू ऑल लगा हुआ है। एंड देखा जाए तो एलिवेटर के ऊपर धमाकेदार हमला, सामने के साइड से बॉब ने मारने का ट्राई किया, बॉब का हेडशॉट लगा एनवीडी भाई का, कहीं ना कहीं हालत बैंड, बॉब ने और एक शॉट कनेक्शन किया और यहां पे फाइनली एनवीडी गए गोल चाट चुके हैं। गाइस विलन भाई अकेले बचे जो कि ब्लू जोन में यहां पे एलिमिनेट होके यहां पे स्कोर जो है गाइस शुभ की टीम के हाथों में दे दिया है गाइस, इन्होंने स्कोर को 2-1 का स्कोर उचका है मेंटेन। चलो भाई लोग यहाँ पे शुभ की टीम जो है पहला स्कोर निकालने में यहाँ पे कहीं ना कहीं सफल होते हुए, बॉब ने 3 किल मार दिए गाइस, लिटरली बॉब भाई ने यहाँ पे 3 किल से लीड पकड़ लिया। एंड देखा जाए तो एलिवेटर 0 किल, आरआर 0 किल के साथ, एनवीडी भाई 4-4 किल के साथ लीड पे होने वाले। चलिए गाइस आगे देखते हैं, यार वी गो फॉर सेकेंड राउंड, मतलब 2-1-3 चौथे राउंड के लिए बढ़ते हैं गाइस। रेडॉक्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एनवीटी आगे बढ़े हैं 4-4 किलो के साथ, एनवीटी के हाथों में उस पर गायर कट्टा एंड डेजर्टिकल होने वाला है। राइट के साइड से बंदों का हमला देखा जाए तो बॉब एंड एलिवेटर गए हैं गाइस एनवीटी भाई के साइड में डबल शॉटगन के साथ, पीछे से एनवीटी भाई का लगातार हमला होते हुए, एनवीटी लगातार हमला करेंगे ग्लोबल का माल का स्टाइल, सामने के साइड बॉब एंड पीछे के साइड सुब का हमला है, शॉटगन से एनवीटी का लिया है गाइस, एनवीटी तो बदला ले लिया गाइस यहाँ पे शॉटगन का गुच्छा मार के। शुभ आगे बढ़ते हैं, बॉब ने इतना ही देर में रेडॉक्स को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, बॉब भाई चलने वाले हैं गाइस, सिक्का चलने वाला है बॉब का। एच जी विलन को देखा जाए तो गाइस यहाँ पे एच जी विलन भी आया शॉटगन के साथ, सामने से निकला एलिवेटर, यार भी कोई यहाँ पे ग्लूवल मांग रहा है गाइस ये लगता है ये बंदा, बट बॉब यहाँ पे नहीं छोड़ेगा गाइस इस बंदे को। देखते हैं गाइस क्या यहाँ पे इनको ग्लूवल दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, नहीं पता है गाइस। विलन यहाँ पे मारेंगे, जी हाँ गाइस मारेंगे जरूर विलन भाई, यार भी को विल्लू भाई एक हेडशॉट लग जाता नहीं है, एलिवेटर ने पीछे से बैरिकेड के पास से खोपड़ी को खोला एंड रेड आई भाई अकेले बचे, यार भी गो फॉर रेड आई भाई एंड रेड आई भाई क्या 1v4 निकाल सकते हैं, ये एक चुनौती की बात हो गई। क्या यहाँ पे स्कोर हो चुका है बराबर, हरार के एक हेडशॉट के साथ पूरी की पूरी टोली खत्म हो गई गाइस रेडॉक्स की। यहाँ पे देखा जाए तो एनवीडी भाई ने 4 किल से लीड पकड़ी है, रेड आई तो बहुत ही ज्यादा हग रहा है गाइस। सैलेश भाई हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, और सैलेश भाई कैसे हो, लव यू लव यू लव यू, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो सैलू भाई, सैलू भाई लव यू मेरे भाई, कैसे हो यार। चलो बड़ा बड़े से स्ट्रीम को लाइक कर दो सारे बंदे,
आरआर बॉब शूप एलिवेटर एक साथ बढ़ते हुए चारों के चारों बंदे सामने के साइड डॉग्स एनविटी एंड विलन भाई रड़ाई भाई आगे बढ़ने वाले हैं गाइस कंटेनर के राइट से। चलिए यहाँ पे 45 का बॉडी शॉट लगा एंड गाइस आते ही यहाँ पे एलिवेटर को जो है नोक झोंक कर दी गई है विलन के द्वारा। यहाँ पे चले देखा जाए तीन बंदे बचे सुप बॉब एंड हरार हरार देखते हैं आरआर के पीछे बंदे लगने वाले हैं और एक और बार रेडाई के द्वारा हेडशॉट यहाँ पे बहुत ही कमाल का यहाँ पे नॉकडाउन तो किया। यहाँ पे क्या फिनिशअप करेंगे जी यहाँ के हेडशॉट के साथ यहाँ पे फिनिशअप सुप ने जी विलन का तेल निकाल दिया है कहीं ना कहीं और फिनिशअप भी मार दिया। एनविटी के सामने सुप होने वाले बहुत बड़ी चुनौती है एनविटी भाई के सामने बट एनविटी भाई बार टफ फट बैकअप लेते हुए यहाँ पे कहीं काउंटर अटैक करने का ट्राई करेंगे। राइट के साइड से सुप निकले बट सुप और एक बार निकल के मारने का ट्राई करेंगे डॉग सामने के साइड हो सकता है बहुत ही कम एचपी सुप की यहाँ पे बचना पड़ जाएगा 180 का डैमेज कहीं ना कहीं सुप को पड़ा था। यहाँ पे पूरा का पूरा राउंड अप किया अपने को सुप यहाँ पे ले बहुत ही तेज रफ्तार से निकलते हुए एनविटी पीछे के साइड रिडॉक्स भी होने वाला है पीछे के साइड कवर अप करना पड़ेगा सुप को बहुत ही तेज हमला सुप के ऊपर लगता हुआ दो बंदे यहाँ पे एनविटी एंड रिडॉक्स यहाँ पे चढ़ते हुए बंदे के ऊपर हियर वी गो फॉर सुप भाई यहाँ पे रेडाई ने बॉब को उड़ा दिया। ओ माय गॉड बॉब भी जा चुके हैं यहाँ पे स्वर्ग को प्यारे हो गए चले गए देखते हैं शुभ यहाँ पे क्या करेंगे 1v3 सिचुएशन हो शुभ भाई यहाँ पे क्या कर पाएगा शॉटगन है हाथों में और नहीं हो पाया। एनविटी ने कुछ ज्यादा एक पीक ले ली गाइस ग्लू वॉल के साइड में शुभ का थोड़ा सा चेहरा देखा और मुंह पे झाड़ दिया ये एक अच्छा सेंस है मारने का भाई। नेक्स्ट में ऐड कर लेना अच्छा कर लेंगे भाई चलेगा। 3-2 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे मिंटेज जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है भाई नेक्स्ट में ऐड कर लेना। अरे भाई रुक जा ब्रो खाली होगा तब मैं ऐड करूँगा तुम इतना लाइव पे बने रहो लाइव देखते रहो मैं फ्रैक्सी अरे पता है मेरे भाई पता है। चलिए यहाँ पे सुप का स्क्वाड आगे बढ़ता हुआ देखा जाए तो यहाँ पे रिडॉक्स एनविटी एच जी विलन रेडाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यार भी को देखते हैं रेडाई जो है जोश्री का बहुत ही कमाल का यूज़ करने वाले एंड बैट बैट के मारने का ट्राई करेंगे। सामने के साइड से बॉब ने यहाँ पे काउंटर अटैक देने का ट्राई किया 45 बॉडी शॉट लगा विलन भाई होने वाले लेफ्ट की साइड से बंदों का अटैक हुआ एलिवेटर होने वाले में भी जी आगे एलिवेटर तो हुए थे बट यहाँ पे घूम के अटैक करेंगे एलिवेटर लग तो रहा है ऐसा बट यहाँ नीचे की साइड कूद गए सुप के सामने जी विलन और जी विलन को फटका यहाँ पे विलन झटका चले रॉक्स ने आर आर को मार दिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात रड़ाई नीचे के साइड से अटैक करेंगे सुप के विजय साइड से आते हुए रड़ाई यहाँ पे सुप को करना पड़ेगा काउंटर नीचे एनविटी मिले एनविटी के ऊपर दो गोली झाड़ी गई बट सुप यहाँ पे लगातार ग्लूवल का अच्छा यूज करते हुए बट रेडॉक्स नहीं रेडाई ऊपर से कहीं ना कहीं चुम्मा देते हुए गए शॉटगन के द्वारा देखा जाए तो एनविटी और रेडॉक्स एंड रेडाई अभी भी बचे हुए उनके साइड से तीन तीन बंदे और गया यहाँ पे एलिवेटर भी नॉकडाउन हो चुका है एनविटी भाई के द्वारा बॉब भाई अकेले बचे यार भी गो फॉर बॉब भाई क्या 1v3 निकाल पाएगा पीछे से हमला रेडॉक्स का और रेडॉक्स ने बॉडी बॉडी लेके यहाँ पे निकाल दिया गया बॉब को 4-2 का स्कोर हो चुका है। याद से किसको भी केक ऐड कर लेना इसके बाद मेरे को बुलाना अनिमेश भाई। अबे अनिमेश भाई तुम यार गिल्ड में कब आओगे तुम्हारी अच्छे भाई एचटी बॉय वाली आईडी से मुझे वो वाली आईडी चाहिए मेरे गिल्ड में भाई जो भी करो मेरे को आई वांट दैट आईडी इन माय गिल्ड भाई बुलाओगे ना नहीं भाई नहीं बुलाऊंगा मैं तो। चले गए 4-2 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे आराज शुभ एंड बॉब एलिवेटर आगे बढ़ते हुए एंड देखा जाए तो रिडॉक्स एनविटी विलन एंड रेडाई भाई आगे बढ़ते बढ़ते विलन यहाँ पे ऑफलाइन होने वाले नहीं गाइस विलन कहीं ना कहीं आ रहे हैं जी हाँ विलन आ चुके हैं बट कुछ ज़्यादा लेट हो गया आने में। एनविटी भाई बहुत ही तगड़ा आउट स्पेकर यहाँ पे चलाने का कोशिश जोर से करेंगे सुप भाई सामने का साइड और एक बंदा होने वाला है जी हाँ गाइस यहाँ पे आरआर से अटक कर दिया एनविटी भाई के तीन तीन बंदों ने घन चक्कर बना के रख दिया एनविटी निकले बहुत तेज रफ्तार से सुप खड़े होने वाले सुप का बॉडी बॉडी और एक बॉडी चुपका तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे एनविटी भाई यहाँ बट यहाँ पे टीम अप करना एक सही तरीका समझा एनविटी भाई ने निकलने का एनविटी भाई निकलते हुए शॉटगन के साथ आउट स्पेकर के साथ देखते हैं राइट की पिक मिली है बट आरआर होने वाले सामने बॉडी शॉट 54 का आरआर यहाँ पे क्या निकल के नहीं मार पाए एनविटी ने सबसे पहले नॉकआउट मारा यहाँ पे और नॉकआउट मार के कवर अप भी कर दिया बंदे को यहाँ पे फिर चप मार देंगे एनविटी भाई बहुत ही तगड़ा बट चुप अंदर की साइड पे आ चुके हैं यहाँ पे टीम अप देने वाले रिवाइव भी दे रहे गाइस रिवाइव दे दिया गया है आरआर को एंड आरआर यहाँ पे मांगने का ट्राई करने से पहले एनविटी भाई ने यहाँ पे फिनिश अप मार दिया जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है रेडाई हैज बीन आल्सो बीन नॉकआउटेड देखते हैं गाइस क्या हो सकता है यहाँ पे शॉटगन से मारा बॉबाई ने जो कि एक बहुत ही बेहतर बात थी बट एलिवेटर को नॉकआउट कर दिया गया है खड़े थे एलिवेटर पीछे से आके एनविटी भाई ने बहुत ही तगड़ा मारा एंड सर्किल के अंदर घुसने का करते हुए ट्राई 196 का बॉडी एंड गए हैं सुप बॉडी शॉट के साथ एंड सुप को यहाँ पे पूरा फिनिश अप कर दिया जाएगा अभी यहाँ पे फिनिश अप यहाँ पे बॉब ने विलन को उड़ा दिया चले दो बंदे बचे यहाँ पे एनविटी एंड रिडॉक्स
आगे बढ़ते हैं, बड़ी शॉट लगा और एक बार एलिवेटर होने वाले में भी यहाँ पे एलिवेटर को और एक बार नॉक डाउन किया है, ग्लू वॉल तोड़ने का कोशिश करते हुए एलिवेटर को संभालना पड़ जाएगा। बॉब एंड एलिवेटर होने वाले रिडॉक्स एंड एनविटी, बहुत ही खतरनाक प्लेयर सामने के साइड से। यर भी गो, बॉब भाई निकल चुके हैं, इसका आत्मा हो सकता है। बॉब भाई का पीछे देख के ग्लू वॉल मारना पड़ेगा, एनविटी भाई निकल के हेडशॉट लगा सकता है बट अभी तक लगा नहीं है, स्विचिंग चलती हुई बॉब भाई की तरफ से। आगे के साइड से एलिवेटर लगाते हैं गैस, पीछे से शायद हेडशॉट लगाने का कोशिश कर रहे होंगे, 38 का बॉडी शॉट बट यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। एनविटी भाई बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, एनविटी यहाँ पे पीक ली और एलिवेटर को कुछ ज्यादा ही जोशी ग्लोबल स्टाइल का अलग ही जलवा दिखा दिया। यहाँ पे बॉब अकेले बचे, यहाँ पे बॉब की एचपी बहुत ही ज्यादा कम, यहाँ पे बॉडी शॉट के साथ जा सकते हैं बॉब भाई बट यहाँ पे कवल का कवर अप पेड़ के पास होने वाले बंदे, पीछे से बंदा अटैक, एनविटी का अटैक मिट जैसे बट रेडॉक्स ने आगे से गोली सटा दी एंड यहाँ पे जो है निकाल दिया गया ये राउंड को, 500 का स्कोर एंड बस थोड़े से राउंड की जो है देर है गाइस यहाँ। अरे अनिमेश भाई तुमको जो क्वेश्चन पूछा उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हो यार, तुमने लाइव ऑफ कर दिया, मैं रिएक्शन देखने वाला था। हाँ भाई भाई कल दो दो तीन तीन बंदे रिएक्शन देखने वाले थे भाई, लेकिन मैंने लाइव ऑफ कर दिया, 8 बज गया था तो। अरे अनिमेश भाई तुम गिल्ड पे कब आ रहे हो नुबड़े? अनिमेश नुबड़े तुम गिल्ड पे कब आ रहे हो? एसटी बॉय वाला आईडी कब लाओगे गिल्ड पे भाई? मैं आ गया जॉड आर्मी। यहाँ पे रेडाई ने एलिवेटर को नॉकआउट कर दिया जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सामने के साइड तीन तीन बंदे बच गए, सूप यहाँ पे बहुत ही तेज रफ्तार से निकले, ऊपर के साइड रेडॉक्स होने वाले, संभल के रहना पड़ेगा और बीच में आगे रेडॉक्स राइट के साइड से लगातार हमला होते हुए गाइस। विल्लो भाई सामने के साइड खड़े थे बट रेडाई को घूम का पटका पड़ गया, कवर अप करेंगे जोर से सूप भाई बट ऊपर के साइड चढ़ गए जिसके वजह से यहाँ पे कवर अप करने नहीं हो रहा, फिनिश अप मार देंगे बॉब को भी मार दिया गया आर आर एनविटी के ऊपर चढ़ते हुए। यहाँ पे क्या करेंगे, सूप को डैमेज पड़ रहा है गाइस एच जी विलन के द्वारा, एच जी विलन अपने आप को पूरा का पूरा बचाव करते हुए सूप से एंड सूप को हेडशॉट मारा जा सकता था बट 33 का हेडशॉट से फिनिश अप करने का ट्राई किया था बट सूप ने उतना ही देर में बस के पास से जस्टिक का यूज किया बट उतने देर में एनविटी पीछे से आगे यहाँ पे हेडशॉट लगा दिया और यहाँ पे रेडॉक्स ने भी घेरा बना लिया है गाइस। देखते हैं यहाँ पे आर बचे हैं गाइस, देखते हैं क्या करेंगे आर भाई। शॉटगन होने वाले एक डेजर्ट के लिए अरबी को, आर भाई क्या कर पाएंगे, बॉडी शॉट लगा और एक बार अरबी को, आर भाई क्या करेंगे, 1 में 2 अरबी को, आर भाई 1 किलो के साथ होने वाले यहाँ पे, 7 किलो के साथ सूप होने वाले। एनविटी ऊपर के साइड क्या चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रेडॉक्स को देखा जाए तो रेडॉक्स बार का साइड घात लगाने बैठे हैं गैस डबल शॉटगन के साथ, आरआर निकलेंगे यहाँ पे, निकलता है शॉट और भाई एनविटी को पड़ा था भाई पूरा हेलमेट खाली हुआ था बट एनविटी ने जो भाई बहुत ही भयंकर वाला हेडशॉट लगाया और स्पेकर के साथ जो कि तारीफ के लायक था, 6 का स्कोर हो चुका है। लास्ट राउंड जो ये निकाल लेगा कोई तो होगा खोई। यूपी में लैंड टूर्नामेंट होगी, अच्छा हाय ब्रो आई एम न्यू सब्सक्राइबर ब्रो सत्यम FF, हेलो ब्रदर कैसे हो सत्यम भाई, लव यू मेरा, आपको बहुत सारा प्यार सत्यम भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो प्लीज़, अच्छा कर सकते हैं। आज फिर से सेंटर फ्रूट खाए हुए क्या? हाँ भाई मैं रोज खाता हूँ। चले जे दो का स्कोर हो चुका है, यहाँ पे सूप की हालत खराब होती है इसकी टीम की, सूप आगे बढ़ेंगे सामने के साइड से बंदों का हमला, सूप यहाँ पे M1887 प्लस डेजर्टिकल पकड़ने वाले। चले देखते हैं सामने के साइड रिडॉक्स स्केप करके गए एंड हरा के पीछे खोपड़ी में मारने का ट्राई किया बट हरा यहाँ पे संभले है, रिडॉक्स वाली शॉट, रिडॉक्स घूम के मारने का ट्राई जोड़ते हुए करेंगे, यहाँ पे खिड़की के पास से नहीं गेट के पास से निकला, एसजी विलन भी वही रूट पे है, वही रूट पे खड़े होने वाले, एनविटी भाई भी वही रूट पे, कोई भी बंदा आगे आ नहीं सकता सूप भाई, लेकिन आने का एक हिमाकत किया है बंदे ने। चले सूप भाई देखते हैं यहाँ पे लगातार मारने का ट्राई करते हुए बट बॉब ने यहाँ पे रेडाई को नॉकआउट किया और एक बार रेडाई को लेटा दिया बॉब भाई ने यहाँ पे शॉट करके द्वारा एंड यहाँ पे मोड दिखाया जा रहा है, मैं भी यहाँ पे मेरा स्मूथ क्वालिटी की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इनके साथ, बस और तीन बंदे बचे हैं रेडॉक्स और हमला करते हैं बट बॉब को नॉकआउट मार दिया गया एजी विलन के द्वारा, क्या गया एजी विलन यहाँ पे फिनिश अप मार दिया एंड गाइस इनके साइड से बस और दो बंदे बचे हैं, शुब हैज आल्सो बीन नॉकआउटेड एंड रेडॉक्स यहाँ पे मोड दिखाते हुए एलिवेटर एंड हरर को देखा जाए, देखते हैं क्या करेंगे एलिवेटर एंड हरर। यार भी गो यहाँ पे एजी विलन का सामने हमला होगा शॉटगन का ऊपर ड्रैग होते हुए बट देखते हैं यहाँ गए हैं एच जी विलन को कहीं ना कहीं सुताई कर दी बट एनविटी की एंट्री गाइस हीरो की तरह हो गई है यहाँ पे और यहाँ रिवाइव दे दिया जाएगा एच जी विलन भाई को। जी हाँ गाइस यहाँ पे विलन भाई को रिवाइव दे दिया गया और यहाँ पे निकल भी जाएंगे विलन भाई बहुत ही आसानी से, विलन भाई निकल गए बहुत ही ज़्यादा आसानी से। एनविटी को देखा जाए यहाँ पे बेड से है चोट लगा एनविटी का, हर कहीं ना कहीं बचने का पूरा ट्राई करें, लॉन्ग रेंज में चले जा चुके हैं एनविटी भाई, उठे अगर बहुत ही कमल का चलता हुआ 11 किल से लीड पकड़ लिए। यार भी गो देखते हैं बॉडी शॉट भी नहीं लगा कि हेड शॉट भी नहीं लगा और एच जी विलन में आगे से साइड से ले यहाँ पे फटका लगा दिया है और रे दादा यू का भाईलवा
गिल्ड इनवाइट मी। अच्छा अच्छा कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गिल्ड इनवाइट मी वैगदा, मुझे बुलाना। अच्छा बुलाएंगे। लो भाई इमोट दिखा रहे थे सूप को बहुत ज्यादा। क्या 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 वो तुमको दिखाता है इमोट? अरे अनिमेश भाई पहले गिल्ड पे आओ यार। किसको? बेकार गेम प्ले भाई, क्या ही बोलूं मैं उसको। अरे एसटी भाई गिल्ड पे आओ पहले। इनवाइट एसटी बॉय गिल्ड पे आओ इनवाइट। हाँ सागर भाई क्या हाल है? अरे भाई निकलो गिल्ड से, निकलो एसटी बॉय गिल्ड पे आओ। चलो निकला गिल्ड से अभी। हाँ हाँ आ रहा दे रहा। पहले देख रहे हैं तो भाई इधर पे किसको निकाला जा सकता है। Who will make me a to cry? नहीं नहीं टीपी ट्रिक्स नहीं, जैक्सन नहीं, प्रोक्शन नहीं, जी नहीं जी नहीं जी नहीं, साइबर चाउस बस एक बंदा निकल गया। डोंट लीव अगेन। और गाइस और एक बंदे को डालना है यहाँ पे, सत्यम भाई को यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है। चलो सत्यम भाई अरबी को 30-17-43 30-17-4-3 एंड फिर देखा जाए तो 0-3-11 0-3-11 TSG सत्यम 07 की क्या नाम है यहाँ पे जी सत्यम भाई। कैसे हो सत्यम भाई? अरे भाई सही है सारा का सारा चीज। हालांकि इंस्टा सत्यम समरथ सम्राट। शुभ भाई मैं इमोट नहीं दिखाया। मैं कैसे हूँ फिर गिल्ड में 2 GB रैम टैबलेट में खेल रहा था। थैंक्स ब्रो। अरे कोई बात नहीं, तुम लाइक करो बड़बड़। रिस्क गेमिंग भाई, रिस्क गेमिंग हेलो ब्रदर, कैसे हो रिस्क भाई, कैसे हो बताओ बताओ फटाफट सारे बंदे बताओ। न्यू सब्सक्राइबर यार वी गो, न्यू सब्सक्राइबर आए हैं भाई, तहे दिल से स्वागत है भाई। कितना 16-89-87 एंड देखा जाए तो 89-87 20-19 20-19 यार वी गो। एंड ब्लैक नाम का आईडी है कोई, ब्लैक आइक 66 लेवल का आईडी एंड गाइस क्लास कोड में हेडशॉट भी थोड़ा होगा 71 का ठीक ठाक है भाई का आईडी। हालांकि इग्नोर, अरे इग्नोर नहीं मारा मेरे भाई, अभी तुमको गिल्ड इनवाइट डालूंगा। रुक जाओ रुको रुको रुको, अबे है कहां ये बंदा एचएफएफ, क्या नाम है इसका? इट्स टाइम टू ग्रिंड बिकॉज एचएफएफ आर्मी इज बैक। चलिए गाइस यह आईडी मैंने देखी है, कस्टम होगा क्या सब्सक्राइबर? सागर भाई बढ़िया आप बताओ। 7-5-18-64-14-11 अबे आईडी क्यों दे रहे हो? 75-18-68 75-18-68 75-18-64 यार 64-14 64-14-11 आया ना बे है भाई ये हो यार, तुम पहले फ्रेंड लिस्ट में, पहले गिल्ड से किसी को निकालने दो भाई। अब कौन बचा है, किसकी बारी? तेरी बारी मेरी बारी अब किसकी बारी गाइस? हियर वी गो। जी हाँ यहाँ पे दिवांगोत ने तो अभी टेस्ट दिया था, बट एनजी एस मेसी को निकाल देते हैं। एंड यहाँ पे खोजते हैं पहले गाइस उस बंदे को, खोजते क्या नाम है भाई का, आयान को गाइस यहाँ पे गिल्ड इनवाइट डाल दी गई है। चल बे क्या हो गया एचएफएफ, अब बदला लूंगा पापा एंड डी मार लूंगा रेडॉक्स की। ओ तमीज में रह। चल बे कस्टम होगा,
कि नई सब्सक्राइबर बोरे बोर अरे वही हो रहा है। अब एनवीटी की बारी, देख तू अब तू भी दिखाता है शुभ। मैंने कुछ बोला, बॉब से करवाओ 1v1, तेरे को दिखाया क्या? थैंक्स। अच्छा तो चलो भाई लोग, कौन रूम बना रहा है पहले बताओ, हु विल मेक रूम फर्स्ट, बताओ हु विल मेक रूम फर्स्ट। अरे ब्रो और कितना गिल्ट टेस्ट लोगे? तुम्हारा ले लिया भाई गिल्ट टेस्ट। अरे बताओ बताओ भाई लोग, कौन किसके पास रूम है? क्या टूर्नामेंट के लिए रूम बचा के रखना? लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन रूम है किसके पास? नॉर्मल रूम मेरे को लेना अनिमेश भाई। अरे अनिमेश ब्रो रूम है क्या आपके पे? अनिमेश ब्रो रूम है क्या आपके पे बताओ? अनिमेश भाई ओल्ड यू हैव रूम? क्या वो क्वालिफाई कर पाया? इंडो में जाए क्या? अरे नहीं, गोल्डन असम से आज या कल? कल करते हैं ना भाई, आज मेरा मन नहीं है भाई उन नुबड़ों को मारने का। न्यू सब्सक्राइबर से बनवा लो। नहीं इस बार कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा सही है, फ्रेक्सी भाई रूम बनाओ यार। आरआर क्वालिफाई कर पाया क्या? नहीं भाई, कस्टम बना रहे हो, बन तो रहा है। रेडाई करा क्या पार्टिसिपेट? हाँ रेडाई ने किया मे भी। और कौन भाई? सागर शर्मा कस्टम नहीं है, सेलेस ओरा। हाँ भाई लोग ब्रो, अरे कोई बनाओ रूम। न्यू सब्सक्राइबर को जी दे दो, बना देगा तो एल ले लेना भाई, उल्टा सीधा बात नहीं कर समझा। सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर जैसे रहने का, उल्टा सीधा बात करोगे तो भाई मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है ना। न्यू सब्सक्राइबर, अरे भाई लोग कोई रूम तो बना लो। रेडॉक्स भाई सुबह से बच्चे रहना, सुबह से बच्चे रहना। अच्छा वो हमारा काम नहीं ब्रो, आपका है न्यू सब्सक्राइबर भैया, अब जाके सब्सक्राइब किया चैनल को। वेट 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 वेट, आप देखो इसकी कैसी मारता हूँ मैं। अबे तेको नहीं बोला, तू है जान को बोला बच्चे। अच्छा एडवांस वाला, नो फाइट। अरे फाइट मत करो भाई लोग, फाइट मत करो, डोंट डू फाइट। फाइट करोगे तो मैं रूम नहीं बनवाऊंगा, बता रहा हूँ। बना रहा है भाई लोग, फाइट मत करो नहीं तो रूम नहीं बनेगा। चल भी शांत बैठ, चल भी शांत बैठ, क्यों ऐजान पापा लगते हैं भाई? बकवास नहीं करो ठीक है ना, कोई भी बकवास नहीं करो चैट में भाई, मत करो फाइट वाइट मत करो, बॉडी बॉडी मारेगा बस। मैं अभी रहूँगा इस टाइम, ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का। रूम हुआ शुभ, ओए ओए शुभ क्या हुआ? रहने दो, मेरा फोन वैसे भी हीट हो रहा है, बाद में खेलते हैं 1v1। नो लड़ाई। सैलेस भाई बनाने क्या क्या? सैलेस भाई ने बनाया क्या भाई लोग? सैलेस भाई क्या कर रहा है? बनाया नहीं अभी तक। अरे भाई लोग बनाने बोलो यार सैलेस भाई को, क्या कर रहा है? सैलेस रूम बना रहा है। अच्छा बना रहा है क्या, ठीक है भाई लोग। सारे के सारे बंदे लाइक करते रहो ठीक है ना। ओके वो दिखाया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने दिखाया तो अकड़ रहा है, अकड़ रहा है। अब एक इमोट लिए फाइट मत करो, अब एक इमोट के लिए फाइट मत करो ठीक है भाई। ऋत्विक रांदे की हाल चाल विंसेन भाई,
रंजन भाई तुम किसके टीम पे हो? शुभ के टीम पे हो क्या फिर से? भाई तुमको पता भी नहीं है, शुभ ने बोला कि उसकी टीम रेडी है, जो वो टीम थी वही होगी। तुम उसी के टीम में थे ना शुभ की? तुमको पता है ना टूर्नामेंट हो रहा है भाई, कुछ पता भी है कि नहीं? हाँ वीडियो देख लेना उसका रूल वूल के बारे में, और 16 टीम इस बार खेलेगी ठीक है ना? अरे भाई मतलब 3 4 दिन नहीं रह सकते क्या? क्या मतलब हॉस्टल में गेम नहीं खेलोगे? अच्छा चलो सोलो। मेरे को ऑब्जर्व मारो भाई लोग, मेरे को ऑब्जर्व करो, मेरे को ऑब्जर्व कर दो भाई लोग। आ रुको 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 रुको, हाँ आगे को सागर को ऑब्जर्व में डालो, एंड अभी एंट्री करेगा हमारा बाबुआ। अच्छा बेस्टी बॉय बॉब ऑब्जर्व, बॉब को ऑब्जर्व में डालने का मेरे भाई। कहाँ है विंसेंट भाई, कहाँ गया? अरे रडाई को बुला लेके। अबे नहीं 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 आगो सागर को ऑब्ज में करो यार। विंसेंट भाई आया, सागर को ऑब्ज में डालो, जल्दी डालो जल्दी डालो जल्दी जल्दी सोन फटाफट। अबे यार सागर हटो यार जल्दी यार। अरे विंसेंट भाई ने नहीं खेला है, सागर भाई अगला मैच में खेल लेना, तुम्हारे साथ क्यों नहीं भाई, अभी सबके साथ होगा जो भी खेलेगा। अबे पागल हो रहा, इसको ऑब्जर्व में डालो यार, क्या बात करते हो। कस्टम प्लेयर एंड सीएस प्लेयर, वाह 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 क्या इंट्रोडक्शन। अरे मेरे भाई ऑब्जर्व करो यार, पिछले मैच वाले को डालो भाई, तुम ही तो पिछले मैच वाले को हो क्या? सागर भाई तुमने खेला था कि नहीं? अगर अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ। एनवीडी भाई को प्ले पे, ओए हर्षित फ्री है या पैसे? क्योंकि मैं ज्वाइन कर रहा। अरे करो, फ्री है फ्री फ्री है फ्री, तुम्हारी स्क्वाड को ऐड करो भाई, मैं तुम लोग के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरे को लगा तुम लोग ने स्क्वाड बना ली अभी, मेरे को तो पता ही नहीं। अरे भाई समझ ही नहीं आता सैलस भाई को क्या कर रहे हैं। अरे भाई मेरे भाई, रेडाई भाई को ऑब्जर्व में डालो, उसके जगह पे डालो एनबीटी भाई को। एनबीटी भाई, एनबीटी भाई को डालने का मामू, ये बिनसेन को डाल दिया। अबे पगला गया ये बंदा भाई, मैं सच बता रहा हूँ पगला गया ये। तू स्टार्ट मार, अरे तू भाई स्टार्ट मार यार, मेरा दिमाग गर्म हो गया, मेरा दिमाग गर्म हो गया भाई। अबे नहीं पैसे वाला करो, मजा आएगा। हाँ भाई पैसे वाला करूँ, दे दो फिर पैसे, 200 200 एंट्री भेज दो, करा देता हूँ पैसे। वही तो बोल रहा हूँ, औकात नहीं है किसी की ज्वाइन करने के लिए उतना टाइम।
अपने को करा करा के एक्सपीरियंस जमा करना है ना, क्योंकि मैं स्पोर्ट का टूर्नामेंट होस्ट कराऊंगा ना फिर, इसलिए स्पोर्ट वाले मेरे को बुलाएंगे ना इसलिए। चलो भाई लोग सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो एंड अभी देखते क्या होगा। चलो भाई लोग एली को भी करना चाहिए था, वो 2 GB रैम फुल मैप करो, करेंगे करेंगे। अबे एनजे ब्रैक्स आते हैं और भाई ये क्या बंदा है बे, हट, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, हट। सागर शर्मा यहाँ पे आते ही ऑफलाइन चलेगी, जा चुके गए भाई, मेरा काउंटर करने का मन नहीं कर रहा है इन लोग का गेम प्ले देख के। अच्छी चमान चोर लोग एचडी वो यहाँ पे उड्स पे करा डेजर्ट के 7 विंसेंट सामने बहुत ही रफ्तार के साथ होने वाले, बट आते 7 विंसेंट को यहाँ पे लेटा दिया गया एचडी वॉय भाई की तरफ से। यहाँ पे सैलेस भाई एंड एस जी बॉय आगे होने वाले, एस जी बॉय का लगातार स्पीड, ओ माय गॉड एहसान गायकू खा चुके हैं, एहसान के मुंह में मोटा वाला यहाँ पे कट्टा घुसा दिया गया है गाइस। ब्रेक्स ही आ गए गाइस मैच में, देखते हैं एलिवेटर एंड शुभ अकेले बचे गए, दो बंदे शुभ का अटैक, एलिवेटर नहीं शुभ का अटैक हुआ है गाइस में भी सैलेस भाई के ऊपर, जहाँ सैलेस भाई पैकआउट किया अपने आप को, निकलने का ट्राई करेंगे बराबर से, शुभ भाई देखते हैं क्या करेंगे, शुभ भाई पीछे से घात लगाए बैठे में भी यहाँ पे, जी हाँ नीचे यहाँ से निकला है एसटी बॉय, निकला है गाइस, देखते हैं एसटी बॉय क्या करेगा, एसटी बॉय के ऊपर बंदों की भीड़ जमी है, बट देखते हैं एसटी बॉय यार भी को एसटी बॉय भाई फिर से एलिवेटर आल्सो हैज बीन नॉकआउटेड भाई, एसटी बॉय भाई घुमा घुमा के मार रहा है लोंडो को, एसटी बॉय आगे बढ़ते हो यहाँ पे पीछे सामला 196 और एक बॉडी कनेक्शन होता तो कहीं ना कहीं शुभ को नानी याद आ जाती यार भी को, शुभ भाई शुभ के अंदर सर्किल के अंदर बंद है यहाँ पे, शुभ लगातार निकलने का ट्राई करेंगे, शुभ रफ्तार के साथ निकले पीछे से एनविटी नहीं गाइज, ये होने वाला है गाइज, इसका नाम क्या था एसटी बॉय, यार भी को क्या करेंगे शुभ, शुभ भाई देखते क्या कर पाएंगे, शुभ के सामने बंदा जी और बाप रे साइलेंस को सीधा लपका दिया शुभ ने बहुत ही भयंकर शॉट के साथ, यहाँ पे ब्लूजर के सामने जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे साइलेंस भाई, लास्ट दो बंदे शुभ भाई यार भी को एसटी भाई होने वाले हैं यहाँ पे, खिड़की वाले घर के पीछे से निकल के आए हैं एसटी बॉय एंड फ्रैक्सी भी उसी रूट में होने वाले, शुभ भाई देखते हैं यहाँ पे क्या वन टैप लग पाएगा, पीछे के साइड से जरूर एसटी बॉय यहाँ पे रश के जोर से करेंगे, सामने के साइड से एसटी बॉय आ चुके हैं लेफ्ट के साइड से, जी हाँ लेफ्ट के साइड पीछे फ्रैक्सी खड़े होने वाले, शुभ बहुत ही तेज रफ्तार यार भी को, शुभ भाई देखते हैं क्या करेगा, शुभ भाई देखते हैं और है सामने फ्रैक्सी, ओ माय गॉड एसटी भाई पीछे से लगातार हेडशॉट हेडशॉट एंड हेडशॉट, बहुत ही तगड़ा 1-0 का स्कोर उसका मेंटेन, अकेला एस मारते हुए यहाँ पे एसटी भाई, एसटी बॉय पे इसी प्लेयर है ना, हाँ भाई है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, एसटी बॉय पीसी प्लेयर है ना, मैं चाहूँ ना तब मैं बाकी टीम्स का पैसा भी दे दूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, इतना ही पैसा है तो भाई मेरे लिए मोबाइल खरीदो 25,000 का, क्या बोलते हो ब्रो, किसने नहीं भी पैसा भरा भाई, तुम 25,000 का फोन खरीदो मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। फ्रैक्सी को यहाँ पे कमल का डैमेज दिया गया है, जी गाइस फ्रैक्सी भाई को यहाँ पे, बट सैलेस ने यहाँ पे स्टूप को नॉकआउट किया डेजर्ट ईगल के द्वारा, सैलेस भाई बहुत ही तेज रफ्तार से इस बार नॉकआउट किया, एंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुभ की टीम यहाँ पे हल्के बढ़ते हुए, एसटी बॉय ने यहाँ पे ब्लड लाइन को उड़ा दिया, जी गाइस ब्लड लाइन और भाई यहाँ पे जा चुके हैं और एक बार एसटी बॉय आगे बढ़ते हुए, यार भी को एसटी भाई 5-5 किलो के साथ होने वाला, दो बंदे एलिवेटर है एहसान भाई देखते हैं क्या कर पाएंगे, एहसान आगे बढ़ते शॉटगन के साथ निकले हैं और फटका, सागर शर्मा को सीधा मुंह पे मारा एहसान भाई बहुत ही हार्ड यहाँ पे, अरे देखा जाए तो एलिवेटर यहाँ पे जा चुके हैं, देखा जाए एहसान भाई देखते हैं क्या करेंगे, एहसान भाई उठते कर और शॉटगन के साथ होने वाला है, क्या कर पाएंगे एहसान भाई, यार भी गोड है कट्टा देखते हैं क्या करेंगे, ठट्टा वट्टा 1v3 सिचुएशन एहसान भाई, 1v3 एहसान भाई क्या लगा पाएंगे एहसान भाई, एजान एजान लॉन्ग रेंज में बंदा यहाँ पे पीसी प्लेयर तारता हुआ जिसका नाम है एसटी बॉय, देखते हैं यहाँ पे सामने से हमला, ओ माय गॉड एजान गॉड, जी हाँ एजान ने यहाँ पे पीसी प्लेयर को नॉकआउट किया जिसका नाम नल्ला पीसी प्लेयर था जिसका नाम एसटी बॉय भाई था, चले एजान भाई यार भी को 1v2 मार देता है तो मेरी सलाम में, और एक बंदा गया है, ओ माय गॉड बॉडी शॉट, बचना पड़ जाएगा सैलेस भाई को, बैकअप लेते हुए सैलेस भाई भागे हैं बच के, एहसान भाई का बहुत ही तेज रफ्तार के साथ हेड शॉट, बट डेजर्ट ईगल का कनेक्शन जोर से हो सकता है, बाउंडर लगा के एहसान भाई निकले आगे के साइड, पीछे बंदा हो सकता है संभलना पड़ जाएगा सैलेस सामने के साइड से अटैक करते हुए, एहसान भाई राउंड अप किया है फिर निकल गए ट्राई करेंगे वेट जंपिंग हेड शॉट, दो गोली, ओ माय गॉड सैलेस का हेड शॉट सीधा टकले पे बैठा, एहसान भाई संभल के रहना पड़ जाएगा, 1v2 है जान भाई, आसान आसान इजी इजी एजान भाई, पीछे बंदे जंप मत करो यार, जंप करोगे तो एक पीक मिल जाती है जंप करने से यार, डोंट जंप ओनली रश एंड रन, चलिए
अजान भाई अच्छा एक कबर और सामने साइड से बंदा बड़ा हेडशॉट लग गया सेलेस भाई को और एक हेडशॉट यहाँ पे फ्रैक्सी निकलेंगे और एक बार फ्रैक्सी को भी बॉडी शॉट लगाए फ्रैक्सी की पिक और हो गए ओवरटेक अजान ने ओवरटेक किया बट यहाँ पे एक बॉडी शॉट के सिवा यहाँ पे और कुछ फल नहीं मिलने वाला फ्रैक्सी क्या करेंगे फ्रैक्सी सामने के साइड से लगातार हमला करेगा और फ्रैक्सी रॉयल्स भी नॉकआउट टेढ़वाए अजान जी यहाँ का इस बंदा बजा रहा है भाई बंदों का चले सेलेस भाई अकेले सेलेस क्या कर ओहो भाई 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 अजान भाई एजान एजान बॉडी शॉट एजान का बहुत ही कमाल का कनेक्शन देखा जाए M10 बचा है M10 की गोलियां लगती लग रहा ओ माय ये यार क्या हो गया रॉक श्री मुलाली हाँ मैं बॉब सागर और एक बंदा एली आया तू हाँ मुझे पता है अरे मैं बॉब गॉट टू अर जेरोक्स से मैं बॉब गो टू जेरोक्स भाई की चल रही है भाई ये की चल क्या रही है भाई ये ओके मैं दो किसी और बंदे को ले लूँगा जल्दी लो भाई जल्दी लो यार टाइम नहीं बचा जल्दी टीम बनाओ और मेरे को बताओ यहाँ पे इतने बंदे दिख रहे हैं इसे उठा नहीं पा रहे हो क्या यार रहने दो अब पैसा भरा भाई पीस हटा दिया मैंने मानना पड़ेगा यहाँ पे एजान भाई पिछले राउंड ऐसा चला है बंदा जी हाँ एजान भाई बढ़ जाए शॉटगन के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो बंदों की घटिया खड़ी कर दी थी पिछले राउंड में बट एसटी बॉय को थोड़ा ऑब्जर्व करने का जो था बट उससे पहले सुबह आगे पहले ही कनेक्शन कर दिया एसटी बॉय नॉकआउट हो चुका है 1887 के द्वारा चले सामने से अटैक होता यहाँ पे सागर शर्मा का अटैक बट यहाँ पे ओ माय गॉड यहाँ पे और एक बंदा गया यहाँ पे सेलेस भाई देखते सागर भाई पीक अच्छी थी बट यहाँ पे नहीं हो पाया पीक कनेक्शन नहीं किया बट ब्लड लाइन ने क्या ही मारा बंदा एकदम से आगे की साइड घसक सा गया भाई बहुत ही डेंजर 2-1 का स्कोर हो चुका है मेंटेन बहुत ही तगड़ा गाइस मैच चलता हुआ एक स्कोर कहीं ना कहीं निकला है गाइस शुभ के स्क्वाड के द्वारा जी हाँ एक स्कोर यहाँ पे निकला है गाइस शुभ के स्क्वाड के द्वारा देखते हैं एसटी बॉय यहाँ पे 6 किल जिसने लगाया था क्या आगे और भी कुछ दिखाने वाला है या फिर फ्रैक्सिया सागर 1 किल करने वाले हैं गाइस फ्रैक्सी और सागर के आई के किल करने के बाद यहाँ पे कुछ लीड पे जाने वाले या फिर खाता अभी तक खुलेगा या नहीं 1000 का डैमेज अभी तक पार नहीं हुआ है गाइस एनजी फ्रैक्सी एंड सागर भाई का शुभ का आते साथ यहाँ पे रश हो गया एडविन भाई का यहाँ पे रश एलिवेटर को देखा जाए तो एलिवेटर एजान के साथ होने वाला है एजान ने रश किया यहाँ पे उठ पर हाथों में होने वाला है बट वन शॉट मारने का ट्राई किया था बट एसटी बॉय खड़े होने वाले सैलेस ने सुबह को नॉकआउट कर दिया है सैलेस ने आते साथ सुबह को नॉकआउट किया चूंकि एक बहुत ही बुरी बात होगी इनके टीम के लिए एलिवेटर होने वाला है एलिवेटर के सागर शर्मा के ऊपर विंसेन का लगातार हमला बट देखते हैं यहाँ पे टीम अप कर रहा है सागर भाई देखते हैं क्या हो पाएगा यहाँ पे वन शॉट मारने का ट्राई करते हैं विंसेन भाई यहाँ पे पैकआउट कर लिया सागर भाई ने देख रहे पीछे साइड से निकलने का रास्ता तो खुला था बट उससे पहले सैलेस भाई को नॉकआउट मार दिया जी हाँ गाइस यहाँ पे सैलेस भाई को एलिवेटर ने यहाँ पे तोड़ा है एसटी बॉय को देखा जाए तो एसटी बॉय ने यहाँ एक बंदे को फोड़ा है चलिए यहाँ पे एलिवेटर नॉकआउट पड़े हैं गाइस जिनके साइड में साइड से फ्रैक्सी निकले एंड फ्रैक्सी यहाँ पे एलिवेटर को दफनाने वाले गाइस जमीन के नीचे एसटी बॉय ने जान को मार दिया बदला कन्फर्म विंसेन भाई अकेले यार भी गो पर विंसेन भाई वन वन वर्स थ्री सिचुएशन देखते हैं ऊपर से बंदे ने टापा पीछे से एक बंदा आया बोलेगा उसको पापा थ्री का यहाँ पे बॉडी शॉट देखते हैं क्या होगा विंसेन भाई बहुत ही तेज रफ्तार के साथ और एक बॉडी बट कनेक्शन नहीं हो रहा जी हाँ कनेक्शन नहीं हो रहा विंसेन भाई ओए 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 भाई पूरा क्लोज में बंदे लोग हैं यहाँ पे एसटी बॉय बहुत ही ज्यादा क्लोज में थे बट फ्रैक्सी ने पीछे इसके साइड से बहुत ही तगड़ा हेडशॉट कनेक्शन किया यहाँ पे 3-1 का स्कोर हो चुका है मेंटेन नहीं पैसे रखो यार चलिए गाइस 3-1 का स्कोर हो चुका यहाँ पे एसटी बॉय 7-7 किलो से लीड पे होने वाले हैं सोब यहाँ पे सोब जो है यहाँ पे 3-3 किल से लीड पे होने वाले हैं चलिए 3-1 का स्कोर हो चुका है गाइस देखते हैं क्या हो सकता है देखते हैं एसटी बॉय यहाँ पे लॉन्ग रेंज में खड़े होने वाले वॉल के पीछे से बंदे अटैक करते हुए एसटी बॉय को ऊपर बट खिड़की गया अंदर से विंसेन निकल गया बहुत ही ज्यादा जल्दी रस बच एसटी बॉय कहीं ना कहीं एक मोमेंटम प्लेयर है जिसकी वजह से बंदे बच रहे हैं बट सामने के साइड से यहाँ पे एलिवेटर एंड कहीं ना कहीं और एक बंदा नॉकआउट है जिसका नाम होने वाला है यहाँ पे शुभ को नॉकआउट मारा है जी हाँ गाइस
चैलेंज भाई हाथ लगाए बैठे हैं, बट इनके साइड से फ्रैक्सी को नॉकआउट मारा गया एंड एजान भाई अकेले बचे हैं गाइस। एजान भाई अकेले 1v3 हैंडल करने वाले एजान भाई, यहाँ पे घुसंड मारेंगे। घुस के क्या लग रहा है, घुसंड मार दी, दो दो गोली चैलेंज को, तीन तीन गोली, नहीं 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 हो पाएगा। टीम अप करते हुए, यहाँ पे टीम अप करते हुए देखते हैं क्या कर पाएंगे। यहाँ लॉन्ग रेंज से मारने का ट्राई करते हुए एसटी बॉय, बाहर के साइड से मारने का ट्राई करते हैं क्या करेंगे एजान भाई। यार वे गो फॉर एजान भाई, सामने से बंदों का हमला सीधा फट कर सागर शर्मा ने मुंह में घुसा दी भाई कट्टे की गोलियां, 4-1 का स्कोर हो गया भाई। ये क्या चल रहा है, व्हाट दिस शिट गोइंग ऑन भाई, 8-4 हो गया है भाई, क्या चल रहा है ये। इसके बाद मुझे लेना प्लीज, नहीं पैसा रखो यार, अरे स्ट्रीम को लाइक करो फिर रखूंगा भाई। सारे के सारे बंदे लाइक कर दो भाई लोग, विंसेंट डबल शॉटगन जिसका नाम है M1014 एंड हाथों में डेजर्ट ईगल होने वाला है। विंसेंट आगे बढ़ते हुए हाथ निकाल के ग्लू वॉल से आगे बढ़ेंगे। विंसेंट भाई रफ्तार होने वाली है तेज विंसेंट की, चले लहरा लहरा के बंदा आगे बढ़ता हुआ शुभ उनके साथ होने वाला है, शुभ कहीं ना कहीं उनसे आगे होने वाला है। चले देखा जाए सामने के साइड से एसटी बॉय का सबसे पहले हमला नहीं हुआ है, पीछे के साइड बैकअप देने वाले एसटी बॉय। देखा जाए तो फ्रैक्सी भाई भी और भी ज्यादा पीछे होने वाले हैं और एसटी बॉय का हाथ साथ लपेटा है गाइस। यहाँ पे खून की रंजिश में यहाँ पे रंग दिया है हाथों को एसटी बॉय के, बट देखा जाए तो यहाँ पे आते ही रिवाइव दे दिया गया है गाइस। हमारे सागर भैया ने आकर रिवाइव दिया है और जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात कर दिया है, फ्रैक्सी को कहीं ना कहीं डैमेज बढ़ा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बंदे ने ग्लोबल लगा के अपने आप का बचाव तो किया, बट फ्रैक्सी भाई निकलेंगे जरूर, निकले तो है बट भाई यहाँ पे शॉटगन लग सकता था उनके पीछे से अटैक होता है फ्रैक्सी के, फ्रैक्सी के पीछे से हमला होता है शॉटगन हाथों में एसटी बॉय ने, आते ही एजान को यहाँ पे फटकादार हेडशॉट एंड एजान को कवर अप किया एंड मारने का ट्राई करेंगे। विंसेंट भाई पीछे से आते हुए शुभ के सामने सागर भाई बॉडी शॉट लगा है शुभ को, कहीं ना कहीं शुभ का हेल्थ बहुत ज्यादा कम होने वाला है तो सागर के ऊपर भड़केंगे जरूर से। शुभ शुभ मारने का ट्राई किया बट सागर सागर को हेडशॉट सीधा पीक मिल गई शुभ को, एक बहुत ही तगड़ी वाला और यहाँ पे सीधा हेडशॉट और कवर अप करके यहाँ पे इमोट दिखाने वाले शुभ, अबे इमोट दिखाता है। चल गए रिवर्स है, 3 से जो है एसटी बॉय क्या करने वाले हैं, एसटी बॉय के सामने एलिवेटर थे जिनको एक बार में धूल जैसा चटा दिया गया है। विंसेंट भाई आगे बढ़ते हैं, विंसेंट के सामने सैलेस होने वाले हैं, सैलेस के सामने विंसेंट एंड विंसेंट के सामने सैलेस, देखते हैं कौन किसको मारेगा। चले देखते हैं यहाँ पे शुभ एलिवेटर को रिवाइव देने का पूरा ट्राई कर रहे थे बट गाइस यहाँ ब्लू जोन ने है जो यहाँ पीछे से हमला 21-23 बट एसटी बॉय भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके चुके और एक अच्छी बात हो गई शुभ को यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल गया गाइस मारने का बंदों को। सैलेस भाई पीछे से हमला करके शुभ के ऊपर, शुभ के ऊपर से पीछे से हमला लगातार बॉडी बॉडी फ्रैक्सी यहाँ पे मारते हुए बॉडी शॉट बट देखा जाए तो विंसेंट कहीं ना कहीं घेरा लेके मारने वाले गाइस। सर्किल काटेंगे उससे पहले सैलेस भाई ने पिछवाड़े में काट दिया भाई सैलेस भाई का, देखा जाए ओहो सो भाई ने दो बंदों को निकाल दिया गाइस, यहाँ पे दो बंदों को क्लीन बोल्ड कर दिया 4-2 का स्कोर से। यहाँ पे दूसरा स्कोर भी निकल गया गाइस शुभ के टीम से, चले कमबैक होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। एनवीडी भाई क्या हो गया, रूसे क्यों बैठे हो, व्हाई यू आर रूसिंग रूसिंग Why you are rushing? क्या हो गया अनवेड भाई, ये देखो ये मार दिखा रहा अब नहीं प्रॉब्लम भाई, मैं क्या ही बोलूँ मेरे को क्या प्रॉब्लम भाई, अगला मैं आऊँ, अरे अभी रुक जाओ अभी स्ट्रीम देखो भाई मैं बुलाऊँगा सबको ठीक है ना। चले गए देखते हैं सैलेस होने वाला इस एटी M1014 सामने के साइड से एहसान थे बट एहसान ने कहीं ना कहीं 230 के HP के वजह से एहसान भाई बचे यहाँ पे, नहीं तो एक बार में जा सकते थे एहसान भाई कहीं ना कहीं, एहसान की खोपड़ी पूरी उड़ चुकी थी भाई यहाँ पे। चले कहीं ना कहीं 230 के HP फिर से वापस आ जाएगी एहसान की यहाँ पे। चले एहसान के ऊपर सैलेस भाई ऊपर की साइड से हमला करने वाले बट सामने के साइड और एक बंदा निकाल लॉन्ग रेंज मारने का ट्राई, बहुत ही अच्छी रेंज मिली थी गाइस ड्रैग ऊपर करते तो कहीं ना कहीं हेडशॉट बैठ सकता था बट कहीं ना कहीं एहसान भाई को अच्छी पिक दे दी है, एहसान को एक अच्छी पिक दी थी बट एलिवेटर घुसने का ट्राई करने वाले एहसान को नॉकआउट नहीं मारा, एलिवेटर को मार दिया गया क्या गाइस, मेरे को क्या लग रहा है इधर पे। फ्रैक्सी यहाँ पे रिवाइव होकर नीचे के साइड आ चुके हैं जो कि एक बहुत बढ़िया बात हो गई, डबल शॉट करने के साथ पीछे बैकअप लगाते हुए ग्लोबल का टेस्ट एंगल से आगे बढ़ने वाले राइट के साइड बंदा एजान होने वाला और फटका पड़ गया एजान के द्वारा स्विचिंग कमाल की नीचे के साइड से जिसके वजह से बहुत ही अच्छा एडवांटेज और सागर शर्मा ऑल्सो हैज बीन नॉकआउटेड वंस मोर टाइम एंड सैलेस भाई पीछे से आने वाले हैं। सैलेस भाई यहाँ पे ओए एलिवेटर भाई कमाल दिखा दिया यहाँ पे, 4-3 का स्कोर हो गया गाइस मेंटेन, लगातार कमबैक लगातार आग आग की तरह यहाँ पे भड़कते हुए बंदे, वही वेर मुझे ग्रुप में अलग से बोला कि क्यों बोला, अरे बोलने दो भाई तुम्हारे पास भेजा है तो तुम उसकी बातों को मत सुनो।
इफ़ यू हैव योर ऑन माइंड एंड देन इग्नोर हिज वर्ड्स, समझे? इसको बोलते हैं वाणी, इसको कबीरदास की वाणियाँ बोलते, समझे? बुरा बोलने का नहीं, बुरा देखने का नहीं, बुरा सुनने का नहीं, ठीक है ना? हाँ, सही बोला। चले गए, देखते हैं यहाँ पे सुप डबल शॉटगन आर्टिकल के साथ होने वाले, देखते हैं क्या कर पाएंगे। चले गाइस, सुप क्या कर पाएंगे यहाँ पे लॉन्ग रेंज में होने वाले। सुप देखा जाए तो 8-8 किल से लीड पकड़ लिया है। एचसी बॉय अभी एक भी किल नहीं निकाल पाएगा। एचसी बॉय का सर्किल के अंदर विंसेंट भाई घुसे थे, बट विंसेंट भाई को कहीं ना कहीं क्रॉस करके निकले हैं एचसी बॉय। एंड देखा जाए एचसी बॉय बहुत तेज मूवमेंट के साथ आगे बढ़ने वाले, ग्लूवल हटाया, कहीं ना कहीं राइट के साइड निकलेंगे, नहीं पीछे के साइड निकलेंगे, बॉडी शॉट और एक बॉडी शॉट, बट यहाँ पे विंसेंट संभालने का पूरा ट्राई करते हुए एजान को यहाँ पे शुरुआत में ही नॉकआउट किया हुआ एजान को। एंड ब्लड लाइन का देखा जाए तो एच बॉय बहुत ही ज्यादा कम होने वाला, एलिवेटर के सामने फ्रैक्सी होने वाले, फ्रैक्सी का बहुत ही अच्छा डैमेज, बट एलिवेटर अपने को संभालने का पूरा ट्राई करेंगे। हेलमेट में कहीं ना कहीं गोलियां डाली गई है गाइस। देखते हैं विंसेंट भाई क्या कर पाएंगे यहाँ पे। विंसेंट भाई ग्लोबल के पीछे लेफ्ट की साइड निकले, एंड सुप को देखा जाए तो सुप पीछे होने वाले गाइस, डब्बों के पीछे। हियर वी गो सुप भाई, सुप भाई पीछे सामना हो रहा है सुप भाई का, बट ब्लड लाइन का हेडशॉट सीधा सागर शर्मा के मुंह पे चिपका। सामने के साइड देखा जाए तो एसटी बॉय ने यहाँ ब्लड लाइन को फिनिश अप किया। सागर के पास पहुंचते हुए सुप सामने के साइड दिखे, बॉडी शॉट तो चिपक गया गाइस सुप को, बट सुप यहाँ पे एग्रेशन दिखा के आगे किस साइड फाइट करने वाले, राइट के साइड भागे हैं, पीक मिल सकती थी बट पीक को यहाँ पे ब्रेक करते हुए सुप आगे बढ़ते, और यहाँ पे बॉडी शॉट सैलेस भाई आ चुके हैं गाइस क्लोज रेंज में, और एक बॉडी शॉट यहाँ पे सैलेस भाई की हालत खराब हो गई, बट एलिवेटर ने यहाँ पे फ्रैक्सी को नॉकआउट किया चुके, और एक बढ़िया बात। चलिए एलिवेटर एसटी बॉय पीछे से अटैक करते हुए सुप का, बट यहाँ जल्दी से हमला नहीं कर पाएंगे सुप के ऊपर, सुप की मूवमेंट पीसी वाले प्लेयर से भी यहाँ पे तेज होने वाले मेरे ख्याल से। चले सुप यहाँ नीचे के साइड से एसटी बॉय हमला करने वाले थे, बट उससे पहले एलिवेटर का हमला, शॉटगन के साथ कूदे मुंह पे, हेडशॉट लगा सकते हैं एलिवेटर भाई, यार भी को एलिवेटर क्या करने वाले हैं भाई, बचना पड़ेगा। सैलेस ने सीधा हेडशॉट मारा, ओ माय गॉड एसटी बॉय यहाँ पे, एंड सैलेस भाई बचा, सैलेस भाई को नॉकआउट कर दिया गया है सुप के द्वारा। यहाँ पे शॉटगन बहुत कमाल की चलाई गई, ब्लू जोन पीछे से हाहाकार लेते आगे बढ़ता हुआ सुप, देखते हैं शॉटगन कर डबल शॉटगन सामने एसटी बॉय, संभालना पड़ जाएगा, तीन गोली सुप के द्वारा यहाँ पे लगा दी गई है डबल शॉटगन। यार भी को और ए माय गॉड यहाँ क्या करेगा सुप भाई, बहुत ही ज्यादा बसते हुए यहाँ फोर है पूरा ट्रैक ऊपर, बट यहाँ एसटी बॉय का एक पीसी प्लेयर है जिसके वजह से यहाँ ट्रैक का जो सेंसिटिविटी उठाने का है बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। चलिए एसटी बॉय यहाँ देखते हैं क्या करेगा, लेफ्ट की पिक, बट यहाँ लेफ्ट की पिक अच्छी नहीं होती हमेशा, सुप ने बहुत बढ़िया डैमेज दिया, अगर और एक गोली चिपक जाती है तो कहीं ना कहीं खात्मा, ओहो बट सुप का खात्मा नहीं। एसटी बॉय गाइस 4-4 का स्कोर मेंटेन हो गया। जी हाँ गाइस, और भाई लोग अबे चैट कहाँ गया, अर्चित ब्रो कूल एज़ फक, अबे एनवीडी आपका चैनल डिमोनेटाइज, हाँ पर कैसे, अच्छा नहीं हुआ, एडसेंस के साथ लिंक कर बोल रहा है यूट्यूब, पर मेरे फ्रेंड लिस्ट में बंदा है उसके 126 पे चैनल मोनेटाइज है, नहीं होता है ब्रो फीस एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं सैलेस को हेडशॉट, सुप का सीधा इस बार बदला लिया गया, बट उससे पहले यहाँ पे फ्रैक्सी पहुंचा, यहाँ पे रिवाइव देने के लिए ग्लोबल सामने के साइड लगा दिया गया है, शुक्र है सबसे पहले एसटी बॉय ने यहाँ पे और एक बार कवर आउट किया अपने को। देखते हैं सैलेस भाई को कहीं ना कहीं एचपी डाउन हुआ है, एसटी बॉय निकले सुप के पास से, देखते हैं क्या सुप को हैंडल कर पाएंगे एसटी बॉय, क्या सुप जैसे महान प्राणी को यहाँ पे कर पाएंगे भाई, मारने का ट्राई करते हुए सुप को बॉडी शॉट, ओ माय गॉड डबल गोली चला दी गई एसटी यहाँ पे, बॉडी शॉट मारते हुए सुप, देखते यहाँ पे क्या चल रहा है। सागर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल शॉटगन पकड़ा है, डेजर्ट ईगल तो पकड़ा है कंटेनर के पीछे है, बट फ्रैक्सी को यहाँ पे नॉकआउट मार दिया गया है। सागर पीछे के साइड से हमला करते हुए 15 का बॉडी शॉट, उससे पहले एहसान निकले हैं, एहसान आए थे बट एक बंदा नॉकआउट, जी हाँ गाइस सैलेस को नॉकआउट मार दिया उतने ही देर में एहसान महीने में भी यहाँ पे। चले देखते हैं यहाँ पे सागर ऑल्सो हैज बीन नॉकआउटेड, एसटी बॉय हैड बीन रिमेंड, ऊपर से सुप का हमला, एक पीक मिली थी बट गाइस ये पीक वो मिस करने वाला महारथी एसटी बॉय आगे बढ़ता हुआ, पीछे के साइड ग्लू वॉल लगा दिया, ब्लू जोन के डर से मारे यहाँ पे कोई आएगा नहीं, बट हेडशॉट विंसेंट भाई को, और एक हेडशॉट लग सकता है था, बट यहाँ एसटी बॉय बहुत ही कमाल का मूवमेंट के साथ बढ़ने वाला है, सुप ऊपर से हमला करेंगे लगातार हेडशॉट, एलिवेटर हैज डाउन, जी हाँ गाइस एलिवेटर गए, यहाँ पे देखते हैं एसटी बॉय क्या कर पाएंगे, डबल शॉटगन हियर वी गो, एसटी भाई 1v3 सिचुएशन कैन ही हैंडल इट, इसे जब ब्लू जोन आकार लेके आता हुआ यहाँ पे सामने विंसर बॉडी शॉट कमाल का एसटी भाई क्या भी को एसटी भाई पीछे 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 देखो, ओ सुब यार कहाँ से हेडशॉट मार देता है कुछ पता नहीं चलता, एसटी भाई और सुब का कहीं ना कहीं किल जो है गाइस बराबरी पे आ चुका है, 12 किल एंड 12 किल से लीड पे होने वाले, 5-4 का स्कोर हो चुका है मेंटेन।
दिस इज नॉट फेयर माय लॉर्ड। आज सागर हग रहा है भाई, वो तो हमेशा हगते रहता है भाई। चलिए गाइस आगे देखते हैं, सागर भाई 5-4 का स्कोर के साथ होने वाले हैं। क्या होगा ये 5-4 का स्कोर में, क्या कौन मरेगा या कौन जिएगा गाइस देखते हैं। बट यहाँ पे सागर को, यहाँ पे लॉन्ग रेंज मारा गया, बट सागर को रिवाइव देने के लिए एसटी बॉय पहुंचे बहुत ही ज्यादा जल्दी। यार बिकॉज सामने का साइड से बंदे अटैक करने वाले हैं जी। हाँ यहाँ सागर भाई के अंदर बंदे घुसे, वट एलिवेटर को फटका मार दिया बहुत ही ज्यादा क्लोजर में। एहसान घुस चुके, एहसान घुसे मतलब मरना कन्फर्म है। सुब भी घुस गए, सुब ने यहाँ पे नॉकआउट मारा बहुत ही ज्यादा जल्दी। चले बहुत अच्छा है, यहाँ पे और एक बंदा आज ही यहाँ गैस है। फ्लेक्सी यहाँ पे अंदर की साइड कूदे हैं एंड एसटी बॉय ऊपर के से घात लगाए मारने का ट्राई करेंगे। चले देखते हैं यहाँ पे फ्लेक्सी अंदर के साइड कूदे थे बट टीम अप करके बच चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 बंदे इनके साइड बचे हैं। विंसेन भाई विंसेन भाई पीछे के साइड आ चुके हैं गाइस। एसटी बॉय के साइड हमला करेंगे विंसेन भाई, देखते हैं क्या करेंगे। विंसेन आ गया, एहसान को नॉकआउट मारा जी हाँ। कूद कूद क्या मारने का ट्राई, सामने के साइड बंदे थे। फ्रैक्सी यहाँ पे एहसान को फिनिश अप किया, साइलेंस ने एलिवेटर को उड़ा दिया। ओ माय गॉड यहाँ पे क्या चल रहा है ये। विंसेन एंड शुभ अकेले बचे, देखते हैं यहाँ पे शुभ ने एलिवेटर को रिवाइव दिया जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप का एक प्रतीक था। चले देखते हैं शुभ यहाँ चढ़ के निकले और सामने हमला, 3-3 गोलियां चला दी गई। यहाँ पे बॉडी शॉट लगा 13-13 का, देखते हैं अब तो और एक बार बॉडी क्या होगा। यहाँ पे बॉडी लगेगा या हेलमेट का लैप होगा, राइट के पे एक बार यहाँ पे कंफ्यूजन फ्लेक्सी के ऊपर। फ्लेक्सी का एचपी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुके, लेवल 4 का कहीं ना कहीं ब्रेक होने को आ चुका है देखा जाए तो। और यहाँ ब्लड लाइन भी गए हैं एसटी बॉय का द्वारा, एसटी बॉय के ऊपर भारी मात्रा में जोन यहाँ पे अटैक करते हुए, बट यहाँ पे जोन हटा लिया गया है शुभ के। नहीं एलिवेटर और एक बार टट्टी खा गए हैं गाइस। शोभा अकेले है क्या जाएंगे पहले, क्या लग रहा है शुभ का। और एक बॉडी शॉट राइट के पिक मिली बट ये भी मेरे शॉट नहीं हुआ, ये भी मिस हो गया। और शुभ को भाई इस बार एसटी बॉय ने पीछे के साइड से हेलमेट तोड़ा बहुत ही खतरनाक। चले गाइस 5-5 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे मेंटेन, पर एफ एफ अनबैन हो रहा है। ऐसा है क्या FF अनबैन हो रहा है ब्रो, ऐसा है क्या ब्रो, हमको तो पता ही नहीं है यार। चलिए गाइस देखते हैं 5-5 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे मेंटेन एंड देखते हैं क्या 8वां स्कोर के साइड कौन बढ़ेगा, किसकी टीम जीतेगी, किसकी टीम पे जीतेगा, कौन टीम जीतेगी, कौन जीतेगा गाइस बताओ जल्दी बताओ यार कमेंट में बताओ। चलिए शुभ यहाँ पे 13 किल के साथ एसटी बॉय, उनसे बस 2 किल आगे चलने वाले हैं। चले देखते हैं, हाँ मैंने बता दिया 10 का रिडीम कोड दो। चले गए शुभ यहाँ पे उड़न घर के पीछे थे, उससे पहले सागर शर्मा नॉकआउटेड बाय एलिवेटर के द्वारा नॉकआउट किया है। यहाँ पे फिनिश अभी मारेंगे एलिवेटर, क्या चल रहा है इमोट दिखाने की कोशिश एलिवेटर के द्वारा यहाँ पे सागर भाई को। एहसान ने साइलेंस को उड़ा दिया भाई, यहाँ पे 2 बंदे नॉकआउट हो चुके हैं गाइस देखा जा सकता है। यहाँ पे सागर भाई और साइलेंस भाई गए। चले फ्लेक्सी और एसटी बॉय बचे, देखते हैं क्या कर पाएंगे। एसटी बॉय के पीछे विंसेन लगाए हुए हैं, एसटी बॉय की तरफ से धमाकेदार मूवमेंट। एसटी बॉय क्या कर पाएंगे यार बिगो, एसटी बॉय 15 किलो के साथ सामने के साइड से बंदों का बहुत होने वाली है मुकालात। ब्लडलाइन क्या कर पाएंगे विंसेन भाई के ऊपर से बंदे का हमला हो सकता है भाई, मेरे ख्याल से ऊपर के साइड कोई तो बंदा था नहीं गाइस। फ्रैक्सी यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्सी यहाँ पे अंदर के साइड गए हैं गाइस एलिवेटर के पास। फ्रैक्सी बट खिड़की से गए, निकल के आ गए गाइस एलिवेटर पीछे के साइड से अटैक जोर से करेंगे। एलिवेटर आ गया और एहसान भी आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्सी कब तक बच पाएंगे। देखा जाए एसटी बॉय को रिवाइव करने के लिए, फ्रैक्सी अंदर आए थे बट एहसान का हेड शॉट और एसटी बॉय अकेले बचा भाग गया। एसटी बॉय अपनी जान बचा के कहीं ना गए। एसटी बॉय की फटके 4, यहाँ एसटी बॉय भागने का ट्राई किया, ओ माय गॉड कितने बंदों ने हमला किया। और शुभ का हेड शॉट लेकिन कनेक्ट हुआ यहाँ पर, इतने बंदों के बीच में शुभ का हेड शॉट कनेक्ट हुआ, ये कि जो बात भाई वाकई तारीफ की बात है भाई। 6-5 का स्कोर हो चुका है गाइस यहाँ पे देखा जा सकता है। जान 9 किलो के साथ एसटी बॉय होने वाले 15 किल, क्या लग रहा है। अरे हाँ भाई वो एनएल फ्री है एसटी बॉय, एनएल फ्री है भाई वो एसटी बॉय एनएल फ्री है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। 6-5 का स्कोर हो चुका है मेंटेन, सुपर टीम से यहाँ पे 6 का स्कोर बना लिया गया है, बहुत ही तगड़ा चल रहा है गाइस।
और दो गली झाड़ी कही है कि सागर शर्मा को पहले यहाँ पे राउंड अप किया गया सागर शर्मा के द्वारा, यहाँ पे क्या डबल शॉटगन के द्वारा, यहाँ पे क्या सामने ग्लूवाल डाल के, जी हाँ के सामने ग्लूवाल डाल के पीछे का साइड निकले और देखा जाए तो एहसान सामने के साइड नच रहे थे, बट एहसान फिर से एक हेडशॉट मारने का वो फिर आंख में है, बट यहाँ पे हेडशॉट तो लगाया, बट सागर शर्मा का बॉडी पे बॉडी लगे जा रहा है कहीं ना कहीं लेवल फोर का वेस्ट डैमेज होते हुए, बट लेवल टू का हेलमेट फटा था, बट यहाँ पे रिपेयर किट मारने का द्वारा बचा ली गया भाई एहसान को, पड़ गया हेडशॉट सागर के द्वारा बहुत ही डेंजर वाला एंड देखा जाए तो तीन बंदे बचे एलिवेटर ब्लड लाइन एंड सुबाई, और यहाँ पे एसटी बॉय हैज बीन नॉकआउटेड बाय विंसेन भाई लिटरली। एनजी फ्रैक्सी को देखे गाइस क्या चला है, एनजी फ्रैक्सी भाई फ्रैक्सी का हेडशॉट शुभ के मुंह पे सीधा चिपक गया भाई, एलिवेटर कहीं ना कहीं पहुंचेगा गाइस रिवाइव देने के लिए, विंसेन भाई भी क्या नहीं पहुंचे, पीछे से अटैक करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे विंसेन भाई, बट सामने के साइड से सागर का हमला, एसटी बॉय को अभी तक बंदों ने जो है गाइस फिनिश अप नहीं किया, एक मुश्किल भरी बात हो सकती है। एक देख गाइस क्या चल रहा है, एसटी बॉय नॉकआउट भी का 61 का हेडशॉट भाई, बचना मुश्किल हो रहा है, एलिवेटर ब्लड लाइन बचे हुए, यहाँ पे विंसेन भाई क्या ट्राई करेंगे मारने का, बॉडी शॉट और एक बार बॉडी शॉट और एक बार बॉडी शॉट नहीं लगा विंसेन भाई बहुत ही रफ्तार के साथ, ओ माय गॉड इतनी रफ्तार कभी देखी है ना एलिवेटर भाई, पीछे के साइड से यहाँ पे डेजर्ट का कनेक्शन करने का ट्राई जोर से करेंगे विंसेन भाई, M10 के साथ आगे बढ़ते रहे बट एलिवेटर ने सागर शर्मा को नॉकआउट किया, सामने के साइड फ्रैक्सी अकेले बचे, गियर भी को फ्रैक्सी भाई आगे का साइड विंसेन निकले बट फ्रैक्सी को देखेंगे, फ्रैक्सी के पीछे ब्लू जोन लगा हुआ है, फ्रैक्सी आगे का जाने का मूड नहीं बट एलिमिनेट हो चुका है गाइस बहुत ही बेकार सीन के साथ, 7-5 का स्कोर हो चुका है मेंटेन, लास्ट स्कोर निकालना है, कौन निकाल पाएगा गाइस, एनएल फ्री को मार के विंसेन को शांति पड़ी होगी अब एनएल फ्री को मार के, अरे ब्रो टूर्नामेंट का शेड्यूल कब तक आएगा, आएगा आएगा जल्द, हर्षित ब्रो इमोट दिखा रहे हैं बड़ा वाला झगड़ा होने वाला है, पता है भाई बड़ा झगड़ा होगा, इमोट दिखाने से पता नहीं सबकी जल जाती है, अबे मैं नहीं खेल रहा, अरे ब्रो टूर्नामेंट का शेड्यूल कब तक आएगा, आज झगड़ा होगा पक्का, अब टूर्नामेंट क्या हो गया क्यों नहीं खेलना टूर्नामेंट, सागर यहाँ पे बॉडी मारते हुए विंसेन भाई को विंसेन का खोपड़ी के ऊपर से गोलियां जाते हुए बट एसटी बॉय एंड टाइम में पहुंचे और यहाँ पे नॉकआउट कर दिया विंसेन भाई को, बट शुभ भी पहुंचे एंड टाइम में और यहाँ पे रिवाइव करने वाले हैं, जहाँ गाइस यहाँ पे विंसेन को रिवाइव मिल चुका है गाइस, बंदे नहीं है, है तो भाई बंदे फ्रैक्सी है रिडॉक्स है एंड तुम्हारे टीम में जो जो बंदे थे उनको लो ना भाई, लो भाई बड़ा बड़ा बंदे लो अपने टीम में एंड खेलो भाई मैच में एक्सपीरियंस में, ओ हे सागर को बहुत ही डेंजर वाला हेडशॉट था भाई ये वाला, एंड एसटी भाई अंदर के साइड से अटैक करते हुए एसटी भाई लगातार सागर भाई यहाँ पे नॉकआउट होने वाले, मैं ही रिडॉक्स हूँ, अरे पता है एहसान भाई कूलेस्ट हेडशॉट इन फ्री फायर हिस्ट्री भाई, बहुत ही तगड़ा ब्लू जोन के अंदर लेके मारा है पूरा चुम्मी दी है फ्रैक्सेंट सेलेस अकेले सेलेस है दोस्तों भी नॉकआउट है फ्रैक्स अकेले, क्या जाएंगे पहले या खाएंगे केले क्या लग रहा है, और भाई गए हैं ब्लू जोन में ठेले भाई, सुब 8-5 का स्कोर हो गया भाई मानना पड़ेगा, ओ माय गॉड गाय व्हाट द फक इट इज, हां व्हाट द फक इट इज, मैं आ रहा हूँ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, जहां पे जो हूँ जर दिखाते चले, ऐसा है क्या भाई, आर जायो भाई तुम्हारी टीम बन गई है, जायो तुम किसकी टीम में, सुप की टीम में हो ना तुम, आने दो भाई क्या उखाड़ लेंगे, अबे कौन है डीजेक्स के नल्ले, भाई मेरे को चेक करना आईडी भाई नल्लू गाड़ी,
क्या ये दारू पीता है क्या, वो स्टिंग पीता है क्या ये? एंड्री भिखारी नाम है इसका तो। भाई ये तो एनजी भिखारी है यार। कौन भाई, कौन? आईडीएफसी? आई डोंट फकिंग केयर, आई डोंट फकिंग केयर। अरे बाप रे, बहुत भयंकर यार। अरे मैं तो डर ही गया भाई, मैं डर ही गया, पूरा डर गया हूँ मैं भाई। हम इतना डर गए हैं कि हमारी देख के भाई धुआं निकल गया भाई। अच्छा जानता हूँ भाई, मैं ये रोज तो कष्ट करता हूँ भाई मैं। XLR भी खाली फुल मैप खेलता है। मैं ना देखो CSW ऑफिशियल का लाइव पे जाता हूँ, वॉइस को कम करता हूँ और कास्टिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इन बंदों के ऊपर भी कास्ट किया है मैंने, बहुत बार देखा इनका गेम प्ले। गौरव फौरव को नहीं जानता मैं, बस वही ब्रांड को जानता हूँ, ब्रांड। अरे बाप रे भाई, तुम मेरी गिल्ड में आ गए, तुम तो महापरमात्मा हो यार, तुम्हारे चरण किधर है? बाप रे, तुम इतने तगड़े प्लेयर कौन बोल रहा है? जायो बोल रहे हो तो? बाप रे, जायो भाई कौन कौन बोल रहा है? बाप रे, जायो भाई इतने बड़े प्लेयर हमारे गिल्ड में क्या कर रहे हैं? ओहो भाई, बिना गिल्ड में आए टूर्नामेंट खेल सकते हैं क्या? खेल तो सकते हो भाई टूर्नामेंट, मैं तो पहले ही बोला था, लेकिन तुमको अपनी स्क्वाड लानी पड़ेगी। मैंने नेम चेंज कर दिया, देखो। अरे वही तो, एनजी भीख मंगे लोग यार, तुमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। किधर है किधर है किधर है अपना डिमोन भाई? डिमोन डिमोन इधर नहीं मिलेगा, गिल्ड में मिलेगा भाई। सारे के सारे बंदे लाइक करते हो, जायो भाई लाइक किया कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, तुमको मैं इंस्टा पे मैसेज करूँ, बस ऑनलाइन आ जाइयो भाई, बता रहा हूँ एंड टाइम पे। मेरे को आईडी मत दो भाई, तुम एक काम करो, तुम ना सबको लाइव पे लेके आना, ठीक है? मेरे को उन लोग की आईडी से मतलब नहीं है, उनको मेरे लाइव से मतलब होना चाहिए। कहाँ दी आईडी भाई, कहाँ दी आईडी? ओ बाप रे, पीसी प्लेयर अलाउड नहीं है? ओ माय गॉड, पीसी प्लेयर बुला रहे हो भाई? ये बॉट कौन है भाई? एनजी एंग्री रिबल। लूचीफर जानते हो पहले किसके गिल्ड में था भाई? हमारे गिल्ड का बंदा, वो 2 साल पुराना। करो करो करो, मैं 2 दिन फोन से खेलूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूं, तो चलेगा। विंसोन भाई बिग फैन, एनजी भिखारी सेन, विंसेन भाई बिग फैन। बन गई अच्छा, तो पूछ के मेरे को कल तक बताओ, कल लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन में सारी स्क्वाड रेडी करवानी है, ठीक है भाई? कल तक देखो भाई, मेरे को इंस्टा पे बता देना, भूलियो मत। डैशबोर्ड डैशबोर्ड, हाँ कस्टम कस्टम अपडेटेड।
बहुत तगड़ा खेलते हैं भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है भाई। फिर तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा खेलते हैं। अच्छा तुम बंदे लेके आना, जितना भी तगड़े खेलते हैं तुम बंदे लेके आना, लाइव पे बुलाना ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम उसको बुलाना ठीक है ना, मतलब तुम बातचीत कर लेना और उसको रेडी कर लेना ठीक है। अभी होगा 2 तारीख से होगा, 2 तारीख। अरे एमगोर तुम पे नेम चेंज कार्ड नहीं है क्या? नेम चेंज कार्ड, नेम चेंज कर लेना भाई, अच्छा लगेगा। चलो अभी मैं जाता, लाइव चल रहा है। चलिए गाइस, क्या बोलते कंपनी, बताओ बताओ, अभी बहुत भाषण मच गई है तो अभी बोलो। तो सारे बंदे को पहले लाइव पे बुलाते हैं। अरे भाई लोग पहले सारे बंदे को लाइव पे बुलाते हैं एंड उसके बाद विचार करते हैं। भाई मैं भी आऊंगा करण भाई। अच्छा रुक जाओ जेरोक्सी, लाइव पे हूँ, अगला कस्टम है। अच्छा हेलो जिरोक्स भाई, हेलो कैसे हो जिरोक्स भाई? हेलो कैसे हो जेरोक्स भाई, लाइव पे हूँ। बढ़िया बढ़िया हो बढ़िया, क्यों तैयार नहीं है भाई? कोई नहीं खेलना चाह रहा। अच्छा, अम्मा पे जो हो नजर गित आते, मतलब कुछ भी, क्या हो गया ब्रो कुछ भी? अरे भाई लोग रूम कोई बना रहा है क्या? रूम बनाओ यार, रूम रूम रूम, मेक रूम, एनीवन मेक रूम भाई, कोई भी रूम बनाओ, कोई रूम बनाओ यार। अरे कोई रूम बनाओ, एक 4v4 खेलते हैं भाई लोग, कोई रूम बनाओ, कोई रूम बनाओ भाई लोग, कोई रूम बनाओ फटाफट बनाओ भाई लोग। वेट क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ भी? अरे कुछ भी नहीं भाई, तुम रूम बनाओ, कोई रूम बना दो फटाफट यार, लिमिटेड रूम। अरे लिमिटेड अनलिमिटेड जो बनाना है बनाओ, लेकिन रूम बनाओ। इट्स टाइम टू ग्रिंड, स्पोर्ट इज बैक। चलो 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 भाई लोग, टूर्नामेंट होगा ना कल? टूर्नामेंट होगा नहीं भाई, 2 तारीख से होगा, 2 तारीख, मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया अभी, 2 तारीख से होगा। मैं अपडेट व्हाट्सएप पे दे दूंगा ना, तुम चिंता मत करो। दी अनवेटेबल, अरे बाप रे, नया मोबाइल लूंगा। अच्छा अरे पीसी पे ही खेलो भाई, तुम्हारा पीसी सही है, पीसी पे गेम प्ले सही है भाई, पीसी खेलो। अरे रूम बनाओ, रूम बनाओ। अरे हेलो हेलो, अरे एम गॉट रूम, क्या गिल्ड करना है क्या? 4v4 बुला लो, लेकिन रूम उनको बनाना पड़ेगा भाई, हम नहीं बना रहे। ओहो तो बुला पहले उनको, तो देख लूं वो लोग कैसे बंदे, फिर ना बुलाऊंगा। बुलाओ तुम, बुलाओ, मैं लोबी पे बैठा हूँ। बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ ठीक है भाई। 4v4 होने वाला है, 4v4 होगा। फोर वी फोर होगा एक गिल्ड के साथ। आईफोन XR और रेडमी K50 डरते हैं क्या? नहीं नहीं, चलो भाई लोग सारे बंदे लाइक कर दो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है ठीक है ना। अभी एक गिल्ड के साथ वर्सेस करते हैं, बुला रहा है वो बंदा ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं बस, थोड़ा देर। क्या कह रहे हैं, एजान को बुलाने एक बार ट्राई करना है। एजान रेडॉक्स भी तो है, मुझे भी लेना ब्रोडा। अरे भाई शुभू किधर है भाई? शुभ नहीं दिख रहा अपने को, कहाँ है भाई वो बंदा? बोल गया किधर चले गया, किधर चले गया भाई, बोल गया। जीवी आहार आर भाई मत डालो यार, इतना रिक्वेस्ट मत डालो।
रेम भाई कैसा है रेम भाई? मुझे भी लेना ब्रूदा। अच्छा लेंगे 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 लेंगे। बॉब को एक चांस दे दो। अरे बॉब को एक चांस दे दो। बॉब को भी एक चांस चाहिए क्या? रिडॉक्स भाई आ गया, आ गया, सबका इनवाइट आ गया भाई। रुक जाओ थोड़ा देर। अरे अरे हद कर रहा भाई, रुक जाओ। रियल है ये हर्षित ब्रो। अरे पता है पता है पता है, मैंने पता कर लिया। आई हैव लर्नड, मैंने पता कर लिया भाई। भाई लोग जल्दी बुलाओ है। अरे किधर है भाई वो बंदा यार? कहाँ है कहाँ है? सागर लेजेंड X3 क्या है? रेडॉक्स सेलेस एनवीटी किधर गया भाई? वो एम गॉड दिख ही नहीं रहा। कैसे भाग गया क्या वो बंदा? क्या लग रहा है आप लोगों को? भाग गया मेरे ख्याल से। भाग गया भाई लोग मेरे ख्याल से वो बंदा। जी हाँ। अरे भाई कोई रूम बनाओ, रूम बनाओ। लेट्स प्ले 4v4। एजान एनवीडी X3 कहाँ है भाई? वो बंदा दिख ही नहीं रहा यार। अच्छा वेब किसके साथ है? आ गया वो, आ गया। अरे कहाँ आ गया? अरे आ गया भाई। तुमको कैसे दिख जा रहा है भाई? मेरे को नहीं दिख रहा। एम गॉड ये रहा, टीम फुल हो गया। थोड़ा देर, हाँ थोड़ा देर वेट करो। कहाँ गया एसटी भाई? अरे रिडॉक्स भाई आ जाओ ग्रुप में, मुझे दे देना एक चांस ब्रो। अरे ब्रो बीरू बीरू अभी क्या ही बोलूंगा भाई। थोड़ा उसमें रह के बात करा करूँ यार, तुम्हारा टोन पसंद नहीं आता मेरे को भाई। ठीक से बात क्या करो भाई, तुम्हारा टोन पसंद नहीं आता मेरे को। सबके साथ करते तो मैं क्या करूँ भाई। अबे मैं तो भाई मान लोगे तुम छोटे यूट्यूबर हो, मैं तो तुमसे तमीज से बात करता ना, मैं तो नहीं करता ना कुछ गलत बात भाई साहब। वो बात है ना, नॉन स्टॉप नहीं रहेगा तो नहीं आएगा ऐसा टोन, मेरे को पता है। नॉन स्टॉप रहेगा तो ऐसा टोन नहीं आएगा, पता है मेरे को। नॉन स्टॉप गेमिंग नहीं लेगा तो उसके सामने ऐसा टोन नहीं रहेगा भाई, पता है मेरे को। आज मैंने खेला ही नहीं भाई, एक बार तो बुला लो। है एम गॉड बोला है कि उसके बंदे बहुत तगड़े हैं, मतलब जिस जिस गिल्ड वो बुला रहा है। बॉब द लेजेंड को खेला लेना प्लीज। आज एसटी बॉय भी खेलेगा हमारे तरफ से, आज तो और मजा आएगा। अरे कहाँ लाइव बंद किया? लाइव ऑन है। अभी एक मैच करवाते हैं, मैच के लिए साले कस्टम सब लोग बचा बचा के रखे। आज लेना कहाँ लेना भाई, किधर लूंगा? बनवाओ बनाओ। क्या 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 बाप रे, वेट में आता हूँ 10 मिनट के बाद। अबे मत जाओ मत जाओ दरअसल भाई, मत जाओ। डोंट गो डोंट गो भाई, डोंट गो डोंट गो डोंट गो। मत जाओ भाई, मत जाओ। है एक के साथ। अरे वो है ना, बोला ना प्लीज। अच्छा ठीक है ना, रुको ना। अरे भाई वो बंदा, रुको रुको मैं आता हूँ, उसके ग्रुप से आ रहा हूँ। ए मामू के साथ बकवास रूम बनवाना।
अबे एम गॉड रूम बनाओ। अभी तो तुमने बोला था कि आगे तुम्हारे वंदे अखंड पीरो मानुस लो। ठीक है भाई, तुमने तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। पोपट हो गया भाई हमारा, पोपट हो गया। Did do our popart. भाई लोग, we have not a single custom. What will we do now? नहीं होना भाई, कस्टम नहीं होना। अरे कोई रूम बना दो भाई। अरे भाई कस्टम नहीं होना भाई, कस्टम नहीं होना यार। तुम रूम बना दो, रूम बना दो। एसटी बॉय भाई रूम बनाओ यार, एसटी बॉय भाई रूम बना दो एक। अरे रूम बनाओ, रूम बनाओ यार। अरे कल मैंने जिस बंदे की वीडियो भेजी थी देखा, वो उनको बुलाओ क्या। फ्रॉक्स 444, कैसे हो फ्रॉक्स भाई? 4v4 बनता है एम गोड। मैं फोन से खेलूंगा, मुझे खिलाना। अच्छा फोन से भी खेलते हो। अरे भाई कोई रूम तो बना दो। गिल्ड वॉर है क्या किसका? नहीं है यार। भाई मैं खेलू? बुलाओ मैं बंदे, बुलाओ मैं बंदे। अरे भाई रुक जाओ, वो क्या है ना पीसी रिपेयर में गया है, 3 दिन बाद आएगा इसलिए। अच्छा भाई तुम किसी स्क्वाड में गए क्या? डिमोन भाई बनाओ क्या? अरे बनाओ ना भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी बनाओ। व्हाई यू आर सीइंग मी मुंह? व्हाई यू आर सीइंग माय मुंह? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। नो किसी की स्क्वाड में नहीं गया। अरे तो तुम किसी की स्क्वाड में चले जाओ, जैसे कि तारक हो गया, रिडॉक्स हो गया, किसी की स्क्वाड में जाओ और उसकी स्क्वाड को पूरा करो भाई जल्दी जाके। अरे तुमने देखा नहीं क्या उसका गेम प्ले? भाई किसका गेम प्ले का बात कर रहे हो? बनाओ रूम भाई हमारा, बनाना भाई, बनाना, बनाओ जल्दी जल्दी। स्क्वाड वॉड रेडी करो भाई, क्योंकि टूर्नामेंट कमिंग सून, टूर्नामेंट जल्दी आने वाला है भाई, इसलिए जल्दी करो यार। और तुमने देखा नहीं क्या? नहीं देखा भाई। चलो भाई लोग देख लो जेनन नेक्स्ट, कैसे हो जेनन भाई? सोलो? अच्छा सोलो, रुकवा दो। देख लो फन हो जाओगे। अच्छा फैन हो जाओगे भाई? मैं फैन हो जाऊंगा, वाह वाह वाह। कल है क्या भाई बताओ टूर्नामेंट का? कल का टाइम बताओ। अरे 2 तारीख से ब्रो, 2 तारीख, एक से नहीं होगा, 2 से होगा, 2 से होगा, ठीक है? 2 तारीख से होगा, ठीक है ना भाई? 2 तारीख से होगा, ठीक है? 2 तारीख से होगा, 2 तारीख से होगा भाई, ठीक है? अरे मेरे को ऑब्जर्व कर, ऑब्स कर। ऑब्जर्व करो मेरे को। हाँ एजन को बुलाते हैं। एजन 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 ऐजान तो आ नहीं रहा भाई, किसको बुलाया? वह जीरोक्स आता नहीं है, ऐजान आता नहीं है, एक्स आता नहीं है, फ्रैक्सी आता नहीं है, नेटवर्क आता नहीं। आ गया फ्रैक्स, एम गॉड आ गया, सेलेस, रेडॉक्स, एसटी बॉय, फ्रैक्सी, एम गॉड, एनविटी, सागर, लेजेंड, लेजेंड, सागर, एनविटी, एम गॉड, सही है। सेलेस, रेडॉक्स, एसटी बॉय, फ्रैक्सी, बिल्कुल सही है मामू। एसटी करने का, एसटी 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 5 ऐड ब्रो। ओके टाइम बता दो, 6 से 8 ब्रो, मेरा लाइव का टाइम पे होगा, मेरा लाइव का टाइम पे ही होगा जो होना है ब्रो, ठीक है ना? बुलाता नहीं,
एस टी फुलता सागर नो बादल गया चले गए। अरे तुमने बोला था नेक्स्ट मी मेरे को याद ही नहीं रहा ब्रो, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग ब्रदर आई कांट डू एनीथिंग, माफी सरकार। बट मैं 7:30 पे आ सकता हूँ जैनन भाई, 7:30 पे आ सकते हो भाई, तो तुम यार तुम्हारे बंदों को बोल दो वो लोग खेल लेंगे, तुम नहीं आओगे कोई और खेल लेगा तुम्हारे बदले, ऐसा कुछ झोल करो भाई ऐसा कर। या तो तुम्हारी टाइमिंग चेंज कर देंगे, 16 टीम्स खेलेंगे भाई, तो तुम्हारा टाइम आना थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा क्या? मेरा स्क्वाड से कब होगा आसिक ब्रो, हर्षित ब्रो, होगा जल्द होगा, टूर्नामेंट का टाइम दिन होगा ना। चलिए यहाँ पे लेजेंड आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे देख सकते हो लेजेंड आगे बढ़ रहे हैं, सागर के सागर घर के अंदर से आगे बढ़ते हुए एनविटी खुले फील्ड में होने वाले, एनविटी खुले में होने वाले गैस सामने के साइड से एसटी बॉय निकले जरूर है, एसटी बॉय का रश यहाँ पे हुआ बट एक बंदे का हेड क्रैश हो गया, सैलेस भाई यहाँ पे नॉकडाउन हो चुका है गैस लेजेंड के द्वारा, यहाँ पे चेक लेजेंड ने नॉकआउट किया यहाँ पे M1014 बहुत ही कमाल की चलाते हो एनजी फ्रैक्सी, आगे जोर से बढ़ेंगे एसटी बॉय होने वाले गैस डबल शॉट करके साथ आगे बढ़े एसटी बॉय बट सागर का हेड शॉट भाई कुछ ज्यादा है, मतलब मूवमेंट दिखाना सही नहीं होता। चल एक बंदा नॉकआउट सागर शर्मा का हेड शॉट और एक बंदे को यहाँ पे लगाया बहुत ही कमाल का, लेजेंड ने यहाँ पे रिडॉक्स को भी घर पहुंचा दिया, फ्रैक्सी हैज रिमेंड सोलो गैस, देखते हैं क्या करेगा फ्रैक्सी भाई, लेफ्ट की पिक बट क्या होगा हुआ टेक, फ्रैक्सी भाई यहाँ क्या करते हो, फ्रैक्सी भाई घुमा रहे अपने आप को, अपने आप को नहीं दुनिया को घुमा रहे फ्रैक्सी भाई, क्या करेगा फ्रैक्सी अकेला बचा है क्या कर पाएगा, यहाँ पे चार बंदों को खुले में मारने का ट्राई कर रहा है बट अभी भी बचा हुआ है फ्रैक्सी की हालत यहाँ पे पतली हो गया है गाइस फ्रैक्सी की, क्या देखते हैं क्या कर पाएगा, वॉट यू विल डू नाउ, देखते हैं गाइस फ्रैक्सी क्या कर पाएगा, अकेला फ्रैक्सी देखते हैं क्या करेगा, अकेला फ्रैक्सी डरा फ्रैक्सी गुखा हुआ फ्रैक्सी, सागर ने यहाँ पे निकाल दिया है गाइस, साढ़े सात पे कर दो ना भाई प्लीज, अच्छा अच्छा 5 मिनट नहीं रुक सके, मेरे को लगा भाई तुम बहुत टाइम बाद आने वाले हो और 8 भी बजने वाला है ना भाई, तो एक दो कस्टम कराते कराते टाइम निकल जाएगा। चले गाइस 1-0 का स्कोर हो चुका है, यहाँ पे देखते हैं गाइस किसकी टीम किसके ऊपर भड़कने वाली है गाइस, सैलेस यहाँ पे आगे बढ़ते हो ड्रैगनो मतलब सॉरी एसवीडी एंड एवेंडर फोर्डिंग के साथ आगे बढ़ते हुए सामने के साइड के बंदे कॉन्क्रीट हाउस से में भी यहाँ पे हमला हुआ है, एनविटी भाई थोड़ा बीच के साइड से आने वाले दोनों डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मार सकते हैं, एनविटी भाई बहुत ही तेज मूवमेंट के साथ आगे बढ़े, एम गॉड यहाँ पे लेफ्ट के साइड से आने वाले हैं शॉप हाउस की तरफ डबल शॉटगन के साथ बढ़े तो है आगे के साइड, देखा जाए फ्रैक्सी होने वाले कोने में बंदा तो दिख गया है फ्रैक्सी भाई को, देखा जाए तो एक बंदा कहीं ना कहीं चिपका है गाइस इन लोगों के साइड पे, देखा जाए सागर होने वाले क्या रिडॉक्स को यहाँ पे जान ले ली गई है, जहाँ गाइस रिडॉक्स की यहाँ पे कहीं ना कहीं जान ले ली गई, एसटी बॉय को देखा जाए तो एसटी बॉय यहाँ पे डबल शॉट करेंगे साथ होने वाले यरबी को एसटी अबे एसटी बॉय को भी हेडशॉट यहाँ पे लेजेंड भाई के द्वारा बहुत ही सुंदर प्यारा हेडशॉट ग्लोवल के पीछे साइड यहाँ पे कवल का हेडशॉट लगा है एनजी फ्रैक्सी, ओ माय गॉड गए हैं सागर भाई के द्वारा, फ्रैक्सी एंड साइलेंस तो ऐसे ही बाद मरे थे जिनको मार दिया गया है इस मैच में। चले 2-0 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे, अच्छा भाई ब्रो नेक्स्ट में बुलाओ बंदे तुम उनके फैन हो जाओगे, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, देखा था भाई तुम्हारा बंदा जेरोक्स ने कैसा पीटा था भाई उसको, तुम्हारा बंदा देख के तो मेरे बंदे उड़ गए भाई, 2-0 का स्कोर हो चुका है गाइस, सीआरबी गो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है, चले गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो सकता है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लेजेंड की टीम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसटी बॉय ऑफलाइन जा चुके हैं भाई, बहुत गलत सीन हो गया इनकी टीम के लिए, चले रेडॉक्स आगे जाते हुए सैलेस भाई का यहाँ पे डेढ़ का फटका यहाँ पे शायद से चिपका है गाइज, मेरे ख्याल से सागर भाई थे क्या वो, नहीं एनवेटी कौन लड़की पकड़ा है भाई, लेजेंड यहाँ पे लड़की पकड़ा हुआ है, लेजेंड यहाँ आगे बढ़े हेड शॉटगन से मारा राइट के साइड बंदा निकला है, राइट के साइड तो निकला है बट पीछे के साइड घूम के मारेगा, पीछे के साइड घूम के मारा बट रेडॉक्स यहाँ पे काउंटर अटैक करते हुए लगातार बॉडी शॉट मार रहा है बट हील तो जा रहा है, रॉक्स ने पीछे घूम के मारा लेजेंड की खोपड़ी उड़ के यहाँ पे कवर आउट किया गया ग्लू वॉल से एंड वॉल के पीछे साइड वॉल के पीछे एसटी अभी लगता नहीं कि अकेला बंदा एनविटी भाई बचा यार भी को क्या कर पाएगा एनविटी भाई, यहाँ पे देखते हैं एनविटी अकेला क्या जाएगा, पहला सामने से बंदे को अटैक हेलमेट का अब ओ हो गया रेडॉक्स के द्वारा एलिमिनेशन का सामना करना पड़ गया एनविटी भाई को, 2-1 का स्कोर हो चुका है गाइस, यहाँ देखा जाए तो
वो तो दोस्त से बस एक बार बुलाओ, क्या तुम बोलो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हट यार भाई। 2-1 का स्कोर हो चुका है गाइस, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो बोल रहा है भी साला, खुशी लग रहा है तेरे को? क्या हो पाएगा? रेडॉक्स एंड साइलेंस वॉच रेडॉक्स तरीके से। तो अभी लाइट गया, 1 kill, हैव टू 1 kill। अबे भाई मेरे को 1 kill मत दो गाइस, शॉट एंड मिटे भाई, बढ़ता हुआ एनिमेटिक चले क्या जरूर से दे सकती है गाइस। एसटी बॉय की वापसी यहां पे यूएमपी के साथ पीछे होने वाला एसटी बॉय, बुरा लग रहा है बंदे को, और यहां पे रिवाइव देने का ट्राई करने बोल मार सकता है भाई पूरा का पूरा। यहां पे रुके रहेंगे गाइस, मैं भी यहां पे रेड एम को भाई बंदे एलिमिनेशन जो है था गाइस। यहां पे फोर्टिंग के साथ होने वाला है सागर शर्मा, 6 किलो के साथ लेड पे यार, वे को क्या कर पाए फाइवर देखा जाता है। एसटी बॉय ने एनिमेटिक उड़ा दिया बहुत ही जल्दी से, गया एम कोड के सामने बहुत ही भारी मात्रा में बंदे होने वाले, यॉर्डर बाय एडब्ल्यू बाय एंड वो मारा था सागर शर्मा एंड लेजेंड यार, वे को लेजेंड बाय अंडर 40 एंड यूएमपी है तो मैं क्या कर पाएंगे, पहली बॉल लगा तो मैं सामने से आए बंदा लोग रेडॉक्स 6 किलो से यहाँ पे लेड़ पे चलने पे तो नजर गिरा थे चले मैजिक ब्रेक से आगे बढ़ते हुए एमबी और शॉटगन के साथ सामने के साइड एक बंदे की भनक तो लग गई है, जिस बंदे का नाम होने वाला है यहाँ पे रेडॉक्स ने एमगॉड को उड़ा दिया जी। गाइस एमगॉड हैज बीन नॉकआउटेड बाय रेडॉक्स, रेडॉक्स का स्पैम यहाँ पे एमगॉड ने जान खो बैठी है। गाइस सागर शर्मा एडब्ल्यूएम और यूएमपी के साथ होने वाले, देखते हैं यहाँ पे स्पैम पड़ा सैलेस नॉकआउटेड ब्लू जोन के पास, यहाँ पे और एक बंदा निकल के आया जिसका नाम था गाइस यहाँ पे फ्रैक्सी, बट फ्रैक्सी रिवाइव नहीं दे पाए, भागना पड़ गया, यहाँ पे फिनिशर मार दिया गया सागर ने सैलेस को, देखा जाए तो सामने के साइड ओहो फ्रैक्सी और एक बार हेडशॉट के साथ यहाँ सागर भैया ने बहुत ही कमाल यूएमपी चलाते हुए, 3 का स्कोर उसका मेंटेन। देखा नहीं आज आसमां पे जो है नजर गिराते चले, देखा नहीं आज आसमां पे जो है चले। गाइस देख रहे हैं 6 का स्कोर हो गया गाइस यहां पे सागर शर्मा कहीं ना कहीं 8 किलो के साथ होने वाले ब्रो। यस और नो, अरे यस तो बोला भाई, और कितना बार बोलूं मैं, कितना बार बोलूं भाई तुमको, कितना बार बोलूं, हाउ मेनी टाइम्स आई विल टोल यू बस टेल यू सॉरी। हाँ गलती से सागर शर्मा यहाँ पे WMB के साथ पीछे घूम के जाने वाले हैं, और देखा जाए सामने का साइड बंदा तो मिला है एसटी बॉय कहीं ना कहीं मिला है 4 किलो के साथ होने वाले, रेडॉक्स कहीं ना कहीं 7 किल करने वाला है, एसटी बॉय भागने का ट्राई करते हुए यहाँ पे 3 बंदे 4 बंदे ऊपर के साइड चढ़ गए हैं गाइस। एसटी बॉय क्या कर पाएंगे, एसटी बॉय पूरा निकलने का ट्राई करते हैं। एसटी बॉय यहाँ पे फ्रैक्सी हैज बीन नॉकआउटेड बाय एनवीटी भाई बहुत ही लगातार ऊपर के साइड से एसवीटी चलाते हुए एंड शॉट गन मुंह पे खुद के मार गए जी, आगे लगाया हेड शॉट एसटी बॉय की जान हानि कहीं ना कहीं करते हुए। एसटी बॉय यहाँ पे कॉन्सेंट एसपी गेन की वजह से कहीं ना कहीं रिपेयर कर लिया अपना एसपी को, यार भी को एसटी बॉय मारते हुए यहाँ पे यूएमपी से तड़प तड़बट पीछे के साइड से निकला एसटी बॉय यूएमपी के साथ डब्ल्यू पीक मिली थी बढ़ के रेडॉक्स ने इतने देर में एमगॉड को नॉकआउट मारा और एक बंदा नॉकआउट रिवर्स रिसीवेशन बस साइलेंस हैज बीन नॉकआउटेड ऑल्सो। यहाँ पे देखते हैं एसटी बॉय क्या करेंगे, और एक बंदे का खाना पानी कर दिया गया यहाँ पे, खाना पूर्ति कर दिया है जिसका नाम था लेजेंड। एसटी बॉय क्या करेंगे देखते हैं आप, रेडॉक्स को नॉकआउट मारा एसटी बॉय अकेले, क्या जाएंगे पहले या खिलाएंगे केले, 1v2 सिचुएशन और एसटी बॉय हियर वी गो। एसटी बॉय भाई यहाँ पे निकलते हुए बहुत तेज रफ्तार स्पैम की हुई है बरसात एंड गए है घर लगातार लगातार बार बार। ओके ब्रो मैं कस्टम मना के रखूँ, बनाओ भाई बनाओ। टूटा नहीं ऐसे आसमां पे जो है नजर गिराते चले, चलिए गाइस कहना था जो कह चुके, कहना था जो कह चुके, अरे बनाओ रूम बनाओ बब्बू भाई रूम बनाओ। बॉब भाई रूम बना के रखो। अरे बॉब भाई कहाँ हो यार, रेडॉक्स
पिया का जो तू मेरी है मेरी, तू मेरी है मेरी रहेगी, तू मेरी है मेरी रहेगी। तू मेरी है मेरी रहेगी भैया का जान, तू मेरी है मेरी रहेगी। बे भक्कू सोलो आना यार, एसटी बॉय क्या कर रहा है। सोलो 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 ओ लो सो ओ लो गण में जब दो बद करवा लो कि बचाते रहो। गाइस देखते हैं क्रिएटिव से खेल क्या रहा है जेरोक्स, किसके साथ खेल रहा है अभी अकेले अकेले डूबड़े। अबे यार जल्दी भराओ भाई, यू आर वेटिंग फॉर योर कस्टम रूम, कस्टम रूम जल्दी 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 बनाओ भाई लोग, जल्दी बनाओ बाप भाई, जल्दी बनाओ। पिया काजो तू मेरी है मेरी, तू मेरी है मेरी रहेगी। ब्रो आज कैसा खेला? आई एम बैक। अरे भाई 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 सब बैक आ गए, बताओ 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 कैसे हो, लव यू लव यू। स्ट्रीम को लाइक करो फटाफट। अबे भागे हुए ऑब्जर्व कर। साजिद को बोलो एक बार आवारे खेल लो रे। चार्ली चार्ली यस पापा, ईटिंग सिगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर चड्डी। अबे यार बंदे कहाँ है बंदे, अबे यार निकलो भाई क्रिएटिव से निकलो। अजान कहाँ पे है भाई? अजान 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 अजान, अबे ये क्रिएटिव खेल रहा है अजान। अरे बंदों को बुलाओ भाई, बंदे वाले नहीं हम लोग के, मैं क्या ही करूँ। अरे भाई सारे बंदे तो प्ले पे है, किसको बुलाओ। अरे गाइस ये बंदे लोग बहुत लो चाल अपाचा करते हैं यार, यार दिमाग खराब हो गया। चलो गाइस कल मिलते हैं।